एवरीवन, इस वीडियो में असिस्टेंट जियोफिजिस्ट एग्जामिनेशन 2022 पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में मैं आंसर कीज तो बताऊंगा ही, साथ में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो होगा ही, एक्स्ट्रा नोट्स भी होंगे कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम क्या इन्फॉर्मेशन और निकाल सकते हैं, क्या और चीज़ें पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है, जो आप ये जो देख रहे हो पर्टिकुलरली, इसका नोटिफिकेशन इसका जो नोटिफिकेशन है वो 2020 में आया था, और क्योंकि कोविड की चीज़ें थी तो ये एग्ज़ाम 2022 में हुआ है और रिज़ल्ट भी 2022 में आया, और इसकी इसकी मतलब ओवरऑल इंटरव्यू रिज़ल्ट सारा 2022 में ही कंप्लीट कर लिया गया। अब जो नोटिफिकेशन आया है ये 2022 में आया था और अब इसका एग्ज़ाम 2023 में होने जा रहा है, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये मैं बता दूं। तो अभी शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन डायमैग्नेट्स द मैग्नेटाइजेशन इज, इजी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ लोग इसका आंसर जानते होंगे। इसका आंसर होगा एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बट अब हम यहाँ पे और भी चीज़ें जानेंगे जो हमारे काम की चीज़ें होंगी और पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन से और चीज़ें सीखेंगे। सो यहाँ पे हम लोग डायमैग्नेटिज्म, ये क्वेश्चन के थ्रू हम लोग और भी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो और किसी क्वेश्चन में काम आ सकती हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप जानते होंगे कि जो ऑल द मैग्नेटिक मटेरियल्स शो अ डायमैग्नेटिक रिएक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे ये पॉइंट हो कि विच टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन अ मटेरियल, तो डायमैग्नेटिज्म है। क्या होता है कि पैरामैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म उसको मास्क कर देते हैं, मतलब उसको छुपा लेते हैं, बट डायमैग्नेटिज्म हमेशा प्रेजेंट होता है। तो ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स शो अ डायमैग्नेटिक रिएक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायमैग्नेटिज्म ऑफन मास्क्ड by the stronger paramagnetic and ferromagnetic properties, you should remember all these things, okay? And यहाँ पे जो सारे जो आपके materials में जो electron spin है वो दोनों paired रहते हैं, ये डायमैग्नेटिज्म आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत ही वीक होता है, यहाँ फिगर से देख ले सकते हो आप, डायमैग्नेटिज्म में susceptibility negative होती है, वीक होती हैं और reversible होती है। ओके, दिस लाइन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द डायमैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज रिवर्सिबल, वीक एंड निगेटिव। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स याद रखनी है क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अब पैरामैग्नेटिज्म के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, हाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं, जैसे कौन कौन से मटेरियल्स डायमैग्नेटिक होते हैं। एक होता है क्वार्ट्ज और कैल्साइट, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे अब चलिए पैरामैग्नेटिज्म को भी देख लेते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म क्या है, एक स्टैटिकल फिनोमिना है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन स्पिन्स हैं वो अनपेयर्ड हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज़ नॉट जीरो हेयर। जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो डायमैग्नेटिज्म के केस में ज़ीरो होता है, बट हेयर इन पैरामैग्नेटिज्म इट्स नॉट ज़ीरो। और क्या आपको पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना है, ससेप्टेबिलिटी स्मॉल है, रिवर्सिबल है और पॉजिटिव है। ओके, और एक पैरामैग्नेटिक जो जिस तरीके से जो ससेप्टेबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली वेरी करती है, मतलब जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी। आप यहाँ से एक चीज़ देख लो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, ये इस ग्राफ से आपको ये याद रखना है, ये ग्राफ भी याद रखना है। ओके, और ये जो इसी को हम क्यूरी लॉ भी बोलते हैं, ये जो क्यूरी लॉ है ये आपको भी ध्यान रखना है। ओके, एंड अगर आप 1/k को टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा कुछ इस तरीके से। एक अनदर फिनोमिना है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। सो यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड्स और लिक्विड ऐसे होते हैं जिनका जो इंट्रैक्शन है वो इंट्रैक्शन बिटवीन आयंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हमें एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ही दिखता है।
तो वेन मतलब कह सकते हो कि द टेम्परेचर अबव विच अ सॉलिड इज पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर। मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर ही हमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलेगा कुछ मटेरियल्स में, और उसको विस कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। सो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको कि दैट द टेम्परेचर अबव विच अ सॉलिड इज पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर विच इज़ नोटेड बाई थीटा एंड इज ऑल्सो नोन एज विस कॉन्स्टेंट एज आई टोल्ड यू। नाउ इफ इसके ऊपर भी कोई टेम्परेचर, जैसे जैसे हम मतलब अगर पैरामैग्नेटिक एक मटेरियल को हीट करते जा रहे हैं और मतलब फिर वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे आ गया जिसको हम थीटा बोल रहे हैं, अगर उसके ऊपर आ गया तो पैरामैग्नेटिक हो गया, फिर और उसे हीट कर रहे हैं तो उसकी ससेप्टेबिलिटी और डिक्रीज करेगी। तो किसी टेम्परेचर पर अगर वो टी है और टी ग्रेटर देन थीटा है तो उस केस में जो क्यूरी विस लॉ है कुछ इस फॉर्म में आ जाता है। ओके तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। अब कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, क्लोराइड, एम्फीबोल, पैरोक्सीन, ओलिविन, ये सारे मटेरियल्स पैरामैग्नेटिक हैं। ये बिकॉज मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो यू शुड रिमेंबर दिस। नाउ फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अब ये देखो फेरोमैग्नेट जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं, अगर हम फेरोमैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं तो जैसे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या आता है, इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स आर स्मॉल। तो कुछ मटेरियल्स होते हैं जहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन द एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स स्मॉल नहीं होते, बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट। अब ये पॉइंट्स भी तुम याद रखो, ये फेरोमैग्नेटिज्म इन ये प्योर जो नेटिव एलिमेंट्स हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, इसमें देखने को मिलते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, उनके बीच जो एटम्स हैं उन्होंने एक ऐसी लैटिस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया है तो वहाँ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द नेबरिंग एटम्स पॉसिबल है। अब ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सचेंज करता है और एक स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फील्ड डेवलप होती है जो एग्जैक्टली अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है, और ये स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फील्ड एक स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को डेवलप करती है जो बिल्कुल ही मतलब आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो बिल्कुल पैरेलल हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, और ये जो मॉलिकुलर फील्ड है वेरी स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फील्ड जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट हुई है वो प्रोड्यूस करती है एक स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, ओके, जिसको आप MS बोलते हो। ओके तो ये जो फिर है ना, ये फेरोमैग्नेटिज्म का फिनोमिना है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है, और ये इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये फिगर भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे आप फेरोमैग्नेटिज्म को देख रहे हो तो यहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो देखो बिल्कुल ही पैरलर हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, दो आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मोमेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये जो बोल्ड एरो दिखा रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म है, वहाँ पे स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो है, रिमेंबर दैट। अगर अभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि किस तरह के एलिमेंट्स में स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होगा तो यू शुड रिमेंबर दैट इज़ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे जो जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है एग्जैक्टली इक्वल है और एंटी पैरलर है, पॉइंट ये याद रखना। अभी कुछ दिन पहले गेट में भी इस तरह का क्वेश्चन आया है, और इसी एग्ज़ाम में आप आगे और इस तरह के क्वेश्चन देखोगे। तो इस केस में एंटी फेरोमैग्नेटिज्म केस में तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के केस में ये याद रखना है कि मैग्नेटाइजेशन जो जनरेट हो रहा है या कह सकते हो जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो इक्वल तो हैं बट पैरलर नहीं है, इक्वल बट एंटी पैरलर। अब जैसे फेरी मैग्नेटिज्म के केस में अनइक्वल एंड एंटी पैरलर है, बट एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के केस में इक्वल बट एंटी पैरलर है। सो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। स्पिन कंटेंट एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जो हमें ये देखने को मिलती है वो क्रिस्टल डिफेक्ट की वजह से मिलती है। क्रिस्टल डिफेक्ट जो एलिमेंट आते हैं वो सब इसमें देखने को मिलती है स्पिन कैंटेड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में। उस क्रिस्टल डिफेक्ट की वजह से ये फेरोमैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है, और इसको आप देखोगे यहाँ एग्जैक्टली पैरलर नहीं है और कुछ रैंडमली ओरिएंटेड है,
तो ये फिगर्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, फेरी मैग्नेटिज्म ध्यान दो आप इस पर। तो फेरी मैग्नेटिज्म में क्या है, यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मोमेंट है वो आप देखो अनइक्वल भी है और एंटी एंटी पैरेलल भी है, एंटी पैरेलल तो है ही अनइक्वल भी है, ये याद रखने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे भी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मोमेंट है तो स्ट्रॉन्ग, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना फेरो मैग्नेटिज्म में है। और यहाँ पे अपोजिट सेंस में है, स्पिन कैंटेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एंटी मै फिर यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपोजिट सेंस में है। सो यू शुड रिमेंबर दिस फिगर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड ऑन ए करेंट आई कैरिंग वायर। सो इसके थ्रू हम मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको भी देखेंगे, तो कि इस तरह के और कोई क्वेश्चन आए तो उसको भी हम सॉल्व कर सकें। नाउ सी हियर, तो एम्पियर्स लॉ है हम सब पढ़ते हैं, फिर भी उसका एक रिविजन कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ द लाइन इंटीग्रल बेसिकली इंटीग्रल बी डॉट डेल टेकन अलॉन्ग द क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट क्रॉसिंग दैट आर्क और वॉट एवर द वायर इट इज। तो इंटीग्रल बी डॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, अब इसी का एप्लीकेशन है, अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो उसमें आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे बी डॉट डी एल, और जो टोटल लेंथ है वो 2πr के बराबर होगी, तो बी इंटू 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से बी की जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr आएगी, टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr आएगी। सो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आंसर वुड बी ए म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अब हम और चीज़ें देखते हैं, और फार्मूलाज देखते हैं जो हमारे काम की चीज़ें हो सकती है। नाउ सी हियर, यहाँ पे मैं बेसिकली बहुत डेरिवेशन तो नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाऊंगा जो जो आपको रिकॉल कराएंगी बहुत सारी चीज़ें। सो देर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट, द फर्स्ट फ्रॉम देर आर टू लॉज बेसिकली फ्रॉम वेयर वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड्स, देर इज फर्स्ट इज द बायो सेवर्ट लॉ। So here the magnetic field is due to the infinitesimally small current carrying wire and Ampere's law. Here is the magnetic field of symmetric configuration carrying a steady current. So what is according to Biot-Savart law? What we get the expression dB equals to mu naught upon 4pi I dl sin theta upon r square. और इसको अब क्रॉस प्रोडक्ट में आप dl क्रॉस r भी ले सकते हो, तो इस केस में नीचे r क्यूब हो जाएगा। तो इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, बिकॉज इस तरह के एक्सप्रेशन आपको दिखेंगे क्वेश्चंस में, और फिर आपसे वो अगर आपको कुछ मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं कि कहाँ पे आर क्यूब है कहाँ आर स्क्वायर है। ओके नाउ लेट्स हैव व्हाट विड विद द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में आता है वो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4πI बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आता है, यह जहाँ की अल्फा और बीटा ये जो एंगल्स हैं आप ये फिगर में देख सकते हो। और आपको यहाँ से और क्या जानना है, सो आप देख सकते हो अल्फा और बीटा क्या एंगल है। नाउ अगर हम पॉइंट पी ले लें और जो कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये जो स्ट्रेट वायर है उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में अल्फा और बीटा बराबर होंगे, और जो एक्सप्रेशन फिर आएगा वो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई बाई डी साइन अल्फ़ा आएगा, या यहाँ पे अल्फ़ा या बीटा कुछ भी हो सकता है बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो इस केस में आप साइन अल्फ़ा इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो वो उसकी वैल्यू एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर आएगी। अब वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए तो दोनों अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री हो जाएंगे, उस केस में आपकी जो वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो मी नॉट आई अपॉन 2πd आएगी। नाउ व्हेन पॉइंट पी लाइज अलोंग द लेंथ ऑफ ए वायर बट नॉट ऑन इट, इन दैट केस जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो जीरो आएगा। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है, स्ट्रेट क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ सकते हैं। इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द लेंथ ऑफ द वायर व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। नेक्स्ट और एक्सप्रेशन हम देखते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। तो अब इसका डेरिवेशन के थ्रू जो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आता है वो मी नॉट अपॉन 4πi इंटू 2πi एन
आई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये एक्सप्रेशंस याद रखना इसलिए ज़रूरी क्योंकि इसके थ्रू अगर कोई केस बनता है तो आपको अगर ना भी याद हो डायरेक्ट फार्मूला, तो अगर ये फार्मूला याद है तो आप बाकी केसेस को निकाल सकते हो इन एग्जामिनेशन। सो म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2π एन आई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल 3/2। और ये एक्सियल पॉइंट है, यह एक्स डिस्टेंस है पॉइंट पी का फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी सर्कुलर कॉइल, और फाई इज़ द एंगल। ओके सो यहाँ पे अब आगे और हम लोग देखते हैं। नाउ अगर मान लो फील्ड, अगर हमें सेंटर ऑफ द कॉइल पे फील्ड क्या होगी वजह नहीं, तो उस केस में एक्स एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब जो एक्सप्रेशन बन के आता है जो कि ऑप्शन डी में आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा क्वेश्चन में, वो म्यू नॉट अपॉन आई टू आर होता है, बट वो ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, सर्कुलर कॉइल की बात की गई है तो मैं और चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि एक्स इक्वल टू जीरो मतलब सेंटर ऑफ द कॉइल पे फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन टू आर आता है। सो रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। अगर फील्ड हम किसी पॉइंट जो कि फार अवे फ्रॉम द सेंटर है अगर वो निकाल लें, तब जो एक्सप्रेशन आएगा म्यू नॉट अपॉन 2π इंटू 2π आर स्क्वायर आई अपॉन एक्स क्यूब आएगा। ओके अब किसी r के लिए अगर फील्ड सेंटर पर निकालना है तो उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, और फिर आप ये सारे वैल्यूज अगर पुट करोगे तो फिर जो एक्सप्रेशन आता है b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π IL अपॉन आर स्क्वायर। ओके ये एम्पियर्स लॉ मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ड्यू टू सोलेनॉइड भी देख लेते हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए शॉर्ट सोलेनॉइड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2π एन आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है। यहाँ आई होप कि आपको ये फिगर में ये दिख रहा हो अल्फा और बीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर सोलेनॉइड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड द पॉइंट इज वेल इनसाइड द सोलेनॉइड, तो बी की एक्सप्रेशन आती है बी इक्वल्स टू मी नॉट एन आई, यहाँ पे अल्फा और बीटा पाई बाई टू हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी एग्जाम में आपको अभी देखने को मिल जाएंगे बी इक्वल्स टू मी नॉट एन आई। अब इफ सोलेनॉइड इज ऑफ केस टू की अब देखते हैं। सो इफ द सोलेनॉइड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड द पॉइंट इज नियर वन एंड, तो अल्फा जीरो होगा बट दूसरा एंगल पाई बाई टू के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर सोलेनॉइड की अगर हम बात करो इनफाइनाइट पॉइंट पे है, तो मतलब सोलेनॉइड एक इनफाइनाइट लेंथ का है बट पॉइंट इज नियर वन एंड, तो उस केस में जो बी की वैल्यू आती है वो हाफ इंटू म्यू नॉट एन आई आती है। ठीक है तो यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन आपको याद करना है कि सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का है बट पॉइंट इज वेल इनसाइड द सोलेनॉइड, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आएगा। और इफ़ सोलेनॉइड इज़ ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड द पॉइंट नियर वन एंड, देन बी इक्वल्स टू हाफ म्यू नॉट एन आई आएगा। और ये जो फर्स्ट केस है उसको मैं बता दूँ, अगर आपको क्वेश्चन में क्या कुछ ऐसा लिखा हो कि एट द सेंटर मतलब पॉइंट इज़ वेल इनसाइड द सोलेनॉइड, और या फिर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हो कि एट द सेंटर, तो भी जो एक्सप्रेशन आता है म्यू नॉट एन आई आता है। अब इफ़ द सोलेनॉइड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड द पॉइंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द एक्सिस, परपेंडिकुलर इन दिस केस अल्फा इक्वल्स टू बीटा, और फिर आपका जो एक्सप्रेशन आएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4π म्यू नॉट अपॉन 4π 4π इंटू एन आई साइन अल्फा। तो देखो यहीं पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात है वो मतलब सोलेनॉइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है। बट यहाँ पे जो एक चीज़ ये है कि सोलेनॉइड फाइनाइट लेंथ का है, तो फाइनाइट लेंथ का है तो अल्फा की कुछ वैल्यू होगी। अब यहीं पे अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाता जो मैं ऊपर कह रहा था कि सेंटर पे क्या होगा, तो वो बन जाएगा म्यू नॉट एन आई क्योंकि अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई टू हो जाएगा। और आउटसाइड द सोलेनॉइड पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो वो जीरो होगा। ओके सो आगे और देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ हियर अ बॉल इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू अराइव एट मैक्सिमम हाइट। ओके सो
for this question we have to see. Now in this question the speed is given 30 meter per second, and firstly we have to calculate the maximum height. So the maximum height can be calculated by this formula, u square upon 2g. So u is here speed, which is 30 into 30, and g is 10 given. So the maximum height comes 45 meter. Now see, actually we don't have to calculate here maximum height, but suppose if any other question it has been asked you to calculate the maximum height, so this would be the formula. Now for the time taken would be u by g. So u is given to you and the answer would be 3 seconds here. So the answer would be 3 seconds. Now let me show you some other types of question based on this type, because something else can also be asked. This is the question here, that a ball a ball is projected vertically upward with a speed of 50 meter per second. We have to find out the maximum height, time to reach the maximum height, and the speed at half the maximum height. So let us solve also this question. Now again we have to calculate Hmax here. In the previous question we don't need to calculate Hmax, but in this question which I have shown you for as example, it has been asking you to calculate the maximum height. So Hmax would be here u square upon 2g, and again u is given to you, 50 into 50 and 2 into 10, you get the answer as 125 meter. Okay, now time to reach the maximum height will be u by g, and it will come 5 seconds. Now we have to calculate here the speed at the half maximum height. So we use the third equation of motion, v square equal to u square plus 2as. Now u is given to us, acceleration would be minus 10 here, and we have to use half the maximum height, that means 125 by 2. You can see here, so that means 125 by 2 here. Keep this in mind. So you will get velocity as 25 root 2. Okay, so by this example we can also have some extra information. Now coming to question number 4, Newton's law of gravitation ensures that the gravity is a force which is, see, gravitational force is an long range force, and it's always attractive. So the option would be D. Now we know that there are 4 fundamental forces in the nature. So let's have information about those fundamental forces, because in next examination you can be asked about any of the fundamental forces. So let's see some of information. So according to modern particle theory, the matter is composed of 6 quarks, 6 leptons and 10 antiparticles. These quarks and leptons are elementary particles, and not that's all, matter is subjected to 4 fundamental forces which I was talking about that causes the matter to behave in a certain ways. These are strong forces, electromagnetism, weak forces and gravitational forces. Now firstly talk about strong forces. These are 10 to power 38 times stronger than the gravitational force, and it is 100 times stronger than the EM force. Keep these important things in your mind, because they can directly ask you question based on this. Remember these points. It is strong forces 10 to power 38 times stronger than the gravitational force, 100 times stronger than the electromagnetic force. It binds the nuclei of atom by holding the protons and neutrons together in the center. Okay, so this is a strong force. Let me give you some extra information also.
So if I talk about a strong nuclear force, it is an attractive force. It is a short range force because it operates within the 10 to power of minus 15 meter. So remember these points. This is charge independent. It does not depend on the charge. So whether it is neutron or proton, so it would be like it does not depend on the charge. It does not obey the inverse square law. It is not a central force. It is non-conservative force. It is a saturated force. It is caused by the exchange of particles called pi mesons. Try to remember all these important points. These are very important things because question can be framed in that way. Okay. It is a saturated force. It is caused by the exchange of particles called pi mesons. And all these important points. Now coming to next point. Now let's talk about weak forces. So these are responsible for some kind of radioactivity. And this is responsible for a type of radiation called beta radiation. Weak forces only effective to 1/1000 the diameter of a proton. Okay. More thing about weak forces. Appears only between elementary particles involved in a nuclear process such as beta decay of nucleus. Any process involving neutrino or antineutrino is governed by weak nuclear forces. It is 10 to power 20, still we are calling it a weak forces, but it is still 10 to power 25 times stronger than the gravitational force because the gravitational force is weakest in the nature. Okay. The weak forces operates only through the range of 10 to power of minus 15 meter. These forces arises due to exchange of particles called massive vector bosons. Okay. Coming to next, gravitational force. So the question was about the gravitational force. It is a universal attractive force. It obeys inverse square law. It is a long range force. It is the weakest force in nature. Remember that. It is a central force. It is a conservative force. And this force between the two bodies does not depend on the presence of third body. Try to remember all these points. You can take a screenshot of this. Okay. Try to remember all these points. These are very important. So the gravitational force is a universal attractive force. Obeys inverse square law. Long range force. Weakest force in the nature. It's a central force. Conservative force. And it does not, the force between the two bodies does not depend on the presence of the third body. Okay. Now electromagnetic force. It may be attractive or repulsive. Okay. It obeys inverse square law. Not as much long range as gravitational force. It is 10 to power 36, 10 to power 36 times stronger than the gravitational force. It is a central force. It is a conservative force. It is caused by the exchange of photons between the two charged bodies. Okay, these are very important points. Remember about this. So an electron undergoes question number 5. An electron undergoes a centripetal acceleration in the presence of a magnetic force. If the electron moves in a circular path of radius r in the magnetic field B, what will be the momentum of electron? Okay, so in this question you have to solve it like this. So now see the solution here. So we already know that in case of a centripetal acceleration, the force would be mv square by r, and sorry, there is r square. It should be r. The force would be mv square by r. Now the magnetic force will be qvb sine theta, and theta here would be 90 degrees since velocity is perpendicular to the magnetic field. So if we equate these forces, qvb equals to mv square by r. So qb equals to mv by r, and mv equals to qrb. And it is given here that we use q equals to minus 1, and mv we know it is momentum. So p equals to minus br. So I think this would be the right answer. So I think the answer would be B.
इन क्वेश्चन नंबर 7 एन इलेक्ट्रिक करंट कैन जनरेट. सो एट दिस क्वेश्चन एक्चुअली साउंड लिटिल कंफ्यूजिंग बिकॉज सी द इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट नाउ हियर इट्स इज इलेक्ट्रिक करंट कैन जनरेट. सो आई थिंक द आंसर वुड बी हियर मैग्नेटिक फोर्स ओनली magnetic field only, but I think I'm not very sure about this, but if you guys have some point to discuss here, you can comment. But according to me, since I feel the answer would be magnetic field only. Now see the question number 8. In our solar system, the speed of a planet when orbiting near the sun. See, when the speed of the planet when it is orbiting near the sun is not constant. So what happens here that at perihelion means the point which is nearest to the sun, at perihelion the speed is greater comparison to the speed at aphelion, the point which is furthest from the sun. So the answer would be here. Let's see the options. Greater than its speeds at the furthest point from the sun. The speed when orbiting the near sun, the greater than its speed at the furthest point from the sun. So I think here the answer would be option A. That the speed, because it is saying the speed of a planet when orbiting near the sun, means the speed at the perihelion is obviously greater than the speed at the furthest from the sun. See, if Vp is the velocity at perihelion, it is greater than V aphelion. Remember this point. Coming to question number 9. See, in question number 9, it says the magnitude of gravitational force between two massive objects is 20 newton if the mass of each object is doubled but the distance between them is halved, then the new force will be. So if you use here the formula F equals to G m1 m2 upon r square, you will get the answer D. So I'm not showing the solution for this, but I think you would be able to solve it. Coming to question number 10, Hawking's radiation. See, Hawking radiation is theoretically the black body radiation that is theorized to be released outside a black hole's event horizon. So what is this event horizon? Basically, the region beyond which even light cannot escape. That is known as event horizon. And this Hawking radiation reduces the mass and rotational energy of black holes, and it is therefore theorized to cause black hole evaporation. So from these points we can understand what would be our answer. So Hawking radiations are radiations through which black holes loses energy. Okay, so answer would be B. Now coming to question number 11, that an aircraft is flying with a speed of 1250 km/h, it speeds in meter per second. You just have to multiply it by 5/18. So in this question, basically it can be time taking if your calculation is not fast, because there are no calculators, so you have to calculate it. You have to multiply it by 5/18 and you will get your answer. So the answer would be 347.2. Coming to question number 12, an object has angular speed
ओमेगा इक्वल्स टू 12.5 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड. ओके सी. सो हियर इन क्वेश्चन नंबर 12 यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2 pi. सी रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड इज गिवन टू यू, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द आंसर्स इन रेडियन पर सेकेंड. सो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 2 pi, यू विल गेट द आंसर इन टू रेडियन पर सेकेंड. सो आंसर वुड बी, सो द आंसर वुड बी 78.5. आई एम शोइंग यू अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, सो यू हैव सम आइडिया अबाउट दैट. सी दिस क्वेश्चन इज पिक्ड, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वेयर फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चन आर कमिंग. दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम क्लास 11 फिजिक्स एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर, एंड दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन. द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट इन रेडियन पर सेकेंड. सो हियर एक्चुअली यू हैव टू डेफिनेटली यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 2 pi, बट ऑल्सो यू हैव टू सिंस इट इज गिवन इन रिवोल्यूशन पर मिनट, सो यू हियर हैव टू बेसिकली द आंसर वुड बी लाइक 2 pi into 120 upon 1 minute equals to 60 second. Okay, so the answer would come 4 pi radian per second. Okay, so let's see the question number 13. Question number 13 says the SI unit of electric flask. See, we know that इलेक्ट्रिक फ्लस्क अगर आप देखो तो क्या था, फाइव इक्वल्स टू ई डॉट ए. ओके सो हमें यहाँ पे यूनिट निकालना है. सो ई डॉट ए, ई का अगर आप जानते होगे क्योंकि आप देखोगे न्यूटन का कुछ दिया हुआ है, तो उस हिसाब से एफ आप जानते हो कि एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होता है. सी नाउ यहाँ से ई की जो वैल्यू आएगी एफ बाई क्यू आएगी, सो जो यूनिट आएगा वो न्यूटन न्यूटन अपॉन कूलाम, और फिर एरिया भी था तो एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर. सो द आंसर वुड बी, आंसर वुड बी ए. ओके क्वेश्चन नंबर 14. द कॉइल ऑफ वायर हैज़ एरिया and number of turns is 200 meter, contains a current 0.05 ampere and magnetic field is given. We have to calculate the magnetic moment. So magnetic moment, there is no use of magnitude of magnetic field. So the only you have to calculate the magnetic moment. The formula would be M equals to N I A, and if you put all these formulas, N is given 200, I is given to you 0.05 ampere, that means it will be 200 into 0.05 into area 4 into 10 to power minus 4, that would come 5 into 5 by 100. Okay, so that would come answer C. Okay, so I'm not especially solving this question because you will be able to understand what I'm trying. Okay, an electric field, an uniform electric field E at an angle of 30 degree to a flat surface of area A is given, then electric flux. Okay, again we have to use this formula E dot A, phi equals to E dot A. If you open it you will get phi equals to E A cos theta. So every value is given, E into A into cos theta, cos 30 root 3 by 2. Okay, cos 30, what would be cos 30? Root 3 by 2. Oh yeah, so the answer would be B. Okay, coming to question number 16. So in question number 16,
So here we have to calculate the electric field, and here it is given what is charge per unit length lambda. See, it is if you know the direct formula for this, then this question could be very easy. And अगर आपको formula याद है तो ये आपका बहुत ही कम time लेगा ये question. But अगर नहीं याद है तो फिर आपको ये वहाँ पर calculate करना पड़ सकता है. तो let me show you the solution of this. So it is given to us that lambda is charge per unit length, that means q by l. So q equals q becomes lambda l. Now this wire basically work as a Gaussian surface, and at point P, which is at distance r from this surface, we have to calculate the magnitude of electric field. Okay, so the surface area of the curved surface will be 2 pi r into l. And now we have to calculate the electric flux, because we will use the Gauss law to calculate the electric field. So firstly, we should know about the electric flux. So for the end surfaces, there would be no flux, because all the charge will be distributed around on the mains, like on the curved surface. So at the end surface, the phi 1 will be 0. Now for the curved surface, phi 2 will be E dot S. Then it becomes E dot S cos theta, and phi 2 becomes E into 2 pi RL. Okay, so the total flux will be 2 pi RL into E. Now what is, according to Gauss law, we have phi equals to Q by epsilon naught. So when we equate these things, we get the value of E equals to lambda upon 2 pi epsilon naught R, and this will be your answer. So for question number 16, the answer would be B. Okay, now coming to question number 17. See, it says under r, when vector r is changing to minus vector r, what will be the electric field and magnetic field? What will be the change in electric field and magnetic field? So according to me, if you see the formulas of electric field and magnetic field in terms of vector form, you will notice that when we change the sign of the vector, the electric field will change and the magnetic field will also change. So according to me, the answer would be A. Let me show you something. So when you there is a question, the vector form of a electric field due to a point charge q at a position vector r with respect to q is. So for this, the answer is this. So this shows that if we change the sign of vector from r vector to minus r vector, electric field will change, as you can see from the formula. Similarly, for the magnetic field, see from the Biot-Savart law that when we change whatever the final we are getting, that mu naught upon 4 pi I dl cross r upon r cube. So again, when we will change the sign to minus r again, so the magnetic field will change. So In that sense, I feel the answer would be both electric field will become negative and magnetic field become negative. Now coming to question number 18, an electric charge Q is moving in the direction of magnetic field B and in electromagnetic field E minus B. The force F on the charge Q is proportional to. So this question is not very clear to me, that what is the sense of E minus B. But since it is saying that the electric charge Q is moving in the direction of magnetic field B, so that means the motion of charge particle in a combined electric and magnetic field from the Lorentz field equation. So the force due to electric field will be QE, and the force due to magnetic field will be QV cross B. So the combined force will be QE plus V cross B. Now there are few cases. What will be the case? First case, when electric and magnetic field and the velocity all are collinear. That means the particle is moving either parallel or anti-parallel to the field. So in that case, the magnetic force will be zero. So the only electric force will work here. So in that case, the velocity, momentum and kinetic energy all will change without changing the direction of motion.
केस टू व्हेन ऑल दिस थ्री क्वांटिटीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन दैट केस द ओवरऑल लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वी कैन से दे वुड बी द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इक्वल सो क्यू इक्वल्स टू क्यू ए बी एंड हियर वी गेट वी इक्वल्स टू ई बाई बी सो रिमेंबर दिस बोथ केस दिस दिस कैन बी आस्क्ड टू यू इन अ डिफरेंट वे सो फ्रॉम दिस नोट्स So from this I can think the answer could be vector E but I'm not very sure about this because this sense which it says E minus V that is not very clear to me so if anybody knows a better explanation for this question so please comment so that everyone knows it let's see the next question Question number 19. See, here, an electric charge of 4 units is distributed uniformly around a thin circular ring of radius 3 units. What would be the potential at a distance r, at a distance of 4 units from the center of the ring, on the ring axis? See, for this, you firstly have to see the figure. So, this is the required explanation to calculate the potential in case of a ring and here the radius of ring is given as r and at point p which is at a distance z from the center of the ring so overall we have to use here the value of small r which is equal to the under root r square plus z square so when you put these values since here in this question R is equals to, it says 3 and distance from the center of the ring to a point is 4. So, Z equals to 4. So, this is capital R. So, when you combine under root R square plus Z square, it will become 5. Okay and it says so the overall will come 1 upon 4 pi epsilon naught q which is equals to 4 and here under root r square z square will become 5 so this 4 will cancel to 4 so overall the answer you will get is a okay I hope this is clear to you just use that formula you will get the answer So just use this formula and you will able to calculate the value of that question. Okay. Now let me show you some important formulas related to these questions so that in upcoming examinations we can have idea about this because since directly these questions are directly based on the formula. If you note the formula, you can solve the questions. Sometimes even directly they are asking for the expression so if you remember the expression it will take very less time to solve those questions now so for a point charge let us suppose what will be the electric I'm showing here what are the different cases and just focus on this so for a point charge the electric field and potential at a point p due to point charge q is given as we all know this E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square and V potential becomes E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r. Okay, now see the graph also. Now the second case is for line charge. So for line charge, the electric and potential due to charge straight conducting wire of length L and charge density lambda. So this is how figure is given. So alpha and beta are angles. So the expression for EX, the electric field component in X direction and Y direction will become K, lambda K is here 1 upon 4 pi epsilon naught, K lambda A by R, sine alpha plus sine beta, and EY become K lambda by R, cos beta minus cos alpha. So remember these formulas, these are very important, and there are different cases for this line charge. Let me show you. So for a line charge, this is the expression of EX and EY
एंड द पोटेंशियल वुड बी लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon नॉट log e अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल. एल इज़ द लेंथ ऑफ द वायर एंड इन डिनोमिनेटर इट इज़ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट प्लस एल. सो वॉट इफ द पॉइंट पी लाइज एट अ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ वायर. दैट मीन्स द पॉइंट पी इक्वली डिवाइड द वायर. सो दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा विल बी इक्वल. सो ई एक्स वुड कम 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा एंड ई वाई वुड बी जीरो. सिमिलरली इफ द वायर इज ऑफ इन्फाइनाइट लॉन्ग सो द बोथ एंगल्स वुड बी पाई बाई टू. इन दैट केस द ई नेट विल बिकम लैम्डा अपॉन 2 pi एप्सिलॉन नॉट आर. दैट इट वॉज आस्क्ड यू इन दैट क्वेश्चन वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिफिलिटी इन्फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड पोटेंशियल विल बिकम माइनस लैम्डा अपॉन 2 pi एप्सिलॉन नॉट लॉगर प्लस सी. इफ पॉइंट पी लाइज near one end of infinitely long wire, so alpha would become 0 and beta would be pi by 2. So in that case, when the point P lies near one end of infinitely long wire, alpha would be 0 and beta would be pi by 2, and the resultant electric field would be under root ex square plus ey square. Here both ex and ey would be k lambda by 2. So in case when point P lies near one end of infinitely long wire, the electric field will come under root 2k lambda by r. Okay, now see further case. Now for a charged circular ring, suppose we have a charged circular ring of radius r and charge q on its axis. Electric and potential field which we have to determine at a point x distance from the center of the ring. This was also asked in a question. So at point P, the electric field will become 1/4 pi epsilon naught q into x upon q x square plus r square whole to the power 3/2. Remember this expression and potential as we have already seen that 1/4 pi epsilon naught q upon under root x square plus r square. X is basically here the distance from the center of the ring to the point P. Okay, so when at the center, what would be if the question asks us what would be the potential field at the center of the circular ring, that means x equals to 0, so E center would be 0 and V center would be kq upon r, that means 1/4 pi epsilon naught q by r. At a point on the axis such that x is very very greater than r, then that means x square is very very greater than r square. So in that case the expression come e equals to kq upon x square and v becomes kq by x. Okay, and these are few cases. Okay, remember these things. Now another case, for a charge conducting sphere, what would be the electric field and magnetic field? So the first case is also sigma is the surface charge density here. So when first case, when outside the sphere at point P, this one, so in that case the point P lies outside the sphere, so in that case the electric field would be 1/4 pi epsilon naught q by r square, and you put the value of here surface charge density, that means q equals to sigma r square, and q equals to sigma into a, that means sigma into 4 pi r square. So this would come as the required expression, sigma r square upon epsilon naught r square. So if you remember these points, that could be very helpful for you. Now at the surface of the sphere, when that means r become small r becomes equals to capital R, so in that case it will be 1/4 pi epsilon naught q by r square. Again, when you put the value of q equals to sigma into a, the expression will come sigma upon epsilon naught. Okay, sigma into a, that means
सिग्मा इंटू 4πr², सो अल्टीमेटली यू विल गेट ओनली सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट. सो सी दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली इन अ क्वेश्चन इट कैन गिवन टू यू ES इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट हाउ इट इज कमिंग. सो एट द सर्फेस ऑफ स्फीयर द वैल्यू वुड बी दिस एंड द पोटेंशियल वुड बी 1.4% क्यू बाई आर. अगेन पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इन टू ए, दैट मीन्स सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट वी विल गेट इनसाइड द स्फीयर. सो इनसाइड द कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड द पोटेंशियल रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ओके जस्ट रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड द पोटेंशियल रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो ओवरऑल आई वॉज गिविंग सम आइडिया अबाउट ऑल दिस केसेस सो दैट इफ समथिंग एल्स आस्क यू इन अ क्वेश्चन यू विल एबल टू सॉल्व इट. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 20. इट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ वैक्यूम. सो देर इज नो नीड टू डिस्कस दिस सो मच, वी ऑल नो इट. इट्स डी क्वेश्चन C equals to 1 upon under root mu naught upon epsilon naught. अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. सो इट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो इसका जो पर्टिकुलर आंसर है वो डी है, आर बाई एल हैज़ द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो अब ये LCR सर्किट का क्वेश्चन है तो इस पे बेस्ड कुछ और चीज़ें देखते हैं जो हमारे काम की होंगी और इम्पॉर्टेंट होंगी. सो यहाँ पे आर बाई एल और वन अपन आर सी इन दोनों का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन के इक्वलेंट है. और अगर आप एल के डायमेंशन को अगर याद करना चाहो तो याद कर लो. सो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू ए टू द पावर माइनस टू, आर हैज़ द डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री ए टू द पावर माइनस टू, एंड सी हैज़ द डायमेंशन एम टू द पावर माइनस वन एल टू द पावर माइनस टू टी टू द पावर फोर एंड ए स्क्वायर. सो ये चीज़ें याद रहेंगी तो अच्छा है क्योंकि इससे इस पर बेस्ड अगर कुछ और क्वेश्चन आता है देन यू विल एबल टू डू इट. अब LCR सर्किट में और थोड़ा इसका बेसिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए. तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है LCR सर्किट का, ये एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो फिगर में दैट हेयर द वोल्टेज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी और एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटेंस सी है. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सो बेसिकली देर इज़ एन एसी सर्किट विच कंटेन्स द कैपेसिटर रजिस्टर एंड द इंडक्टर एंड दैट इज़ नोन एज LCR सर्किट. ओके वी ऑल नो इट बट लेट मी गिव यू सम आइडिया सो दैट ये आपका रिकॉल हो जाए. सो फॉर ए सीरीज ऑफ LCR सर्किट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ सर्किट इज गिवन बाई V इक्वल्स टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर. नाउ सी इफ रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स बिकॉज अगर एग्जाम को जितना एग्जाम में जितना आपको याद रहेगा दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. सो हेयर VR इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एंड VL इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L एंड VC इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C. ओके और अगर आप इम्पिडेंस की बात करो तो आप अगर VR के प्लेस पे IR रख दो, VL के प्लेस पे XL इंटू I रख दो क्योंकि करंट तो सेम होगा, और VC के प्लेस पे XC इंटू I रखोगे तो ये जो इम्पिडेंस आएगा, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट आएगा वो इस फॉर्म में आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XC, XL माइनस XC का होल स्क्वायर. रिमेंबर दिस थिंग्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर आर इज रेजिस्टेंस, एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड एक्स इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है इस पर बेस भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वॉट इज द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी या कुछ भी. सो द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ ए LCR सर्किट इज गिवन बाई V बोल लो वी इक्वल्स टू. सो द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट इज गिवन बाई F इक्वल्स टू 1/2π अंडर रूट LC.
okay, and with the phase difference in LCR script between the current and the voltage is tan phi equals to XL minus XC upon R. और इसको अगर आप जब यहाँ पे XL को आप I करंट I से अगर आप वैसे कर दोगे लाइक VL इक्वल्स टू आप IR VR इक्वल्स टू IR रख दोगे VL इक्वल्स टू I XC रखोगे VL इक्वल्स टू I XL रखोगे VC इक्वल्स टू I XC रखोगे तो फिर ये एक ही फॉर्म की चीज़ है. तो आप यहाँ समझ सकते हो कि ये जो tan phi का फॉर्मूला है XL माइनस XC अपॉन R VL माइनस VC अपॉन R ये आपको याद रखना है. ओके, सो व्हाट इज़ रिएक्टेंस? इट इज़ बेसिकली द इनर्शिया अगेंस्ट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो दो तरह के रिएक्टेंस है, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL. ओके, अब अच्छा मान लो अगर LCR सर्किट में अगर हम रेजोनेटिंग कंडीशन की बात करें तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि XL इक्वल टू XC इक्वल टू X, मतलब XL और XC इक्वल है. तो इस केस में फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस आप देखोगे XL इक्वल टू XC, दैट मीन्स tan phi इक्वल्स टू जीरो, देन phi इक्वल्स टू जीरो. सो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको बोले कि रेजोनेटिंग कंडीशन है तो फेज डिफरेंस क्या होगा? तो फेज डिफरेंस ज़ीरो होगा. सो ये आप देख ले, आप देख ही रहे हो कि इलेक्ट्रिकल LCR सर्किट क्या होता है. मैंने ऑलरेडी बता दिया है, व्हेन देयर इज इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, देन वी विल कॉल इट LCR सर्किट. ओके, अब कुछ चीज़ें हैं जैसे आप जो ऊपर जो आप देख रहे थे कि ये फेज डिफरेंस आ रहा था, जो वैल्यू आ रही थी वो कैसे आ रही थी. अगर मान लो जो जनरली होता क्या है ना, लेट मी शो यू अ फिगर. ओके, so it will be very clear to you. आप जैसे देख रहे हो इस फिगर में एक LCR सर्किट है जैसे कि मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है. तो हो क्या रहा है कि जो करंट है वो अगर आप वोल्टेज के टर्म्स में अगर आप बात कर रहे हो VR के लिए पर्टिकुलरली, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा. तो जो करंट है वो VR के अलॉन्ग है. अब VL की अगर हम बात करें तो मतलब इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज है वो अहेड है, करंट से अहेड है. कितना अहेड है? 90 डिग्री. मतलब VL और I के बीच जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है. और VC और I की अगर हम बात करें तो VC और I के केस में आप ये देखोगे जो जैसे VL के केस में वोल्टेज करंट से अहेड था, यहाँ पे जो VC है वो करंट के बिहाइंड है. दैट मीन्स देर इज़ अ लैग एंड दैट लैग इज ऑफ 90 डिग्री अगेन. तो जनरली जब हम प्लॉटिंग करते हैं जैसे आप यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली फिगर में जो VL है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है और VC डाउनवर्ड डायरेक्शन में और VR अलॉन्ग द करंट. सो जो ओवरऑल फेज डिफरेंस है वो phi है. ओवरऑल जो V आ रहा है, जो आप एक्सप्रेशन अभी देख रहे थे V इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस पी सी का होल स्क्वायर, वो इसी बेस पे था. अब हम जनरली कंसिडर ये कर रहे होते हैं दैट वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी, तो वी एल माइनस वी सी लिखते हैं. अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वी सी माइनस वी एल लिखेंगे. ओके, बट ये मुझे ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखानी थी कि ये हो कैसे रही है. तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है. For a inductor L, we consider that the current I to be the reference axis, then voltage leads by 90 degree, okay, and the capacitor C, the voltage lags by 90 degree, okay. तो इंडक्टर के केस में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है और कैपेसिटेंस के केस में वोल्टेज लैग कर रहा है. ये फेजर डायग्राम आपको याद रखना है जो यहाँ पर आप देख रहे हो. तो फिर ओवरऑल आपको आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी. सो जैसा कि आप देख सकते हो VL को ऊपर प्लॉट किया गया, VC को नीचे और VR करंट I के अलॉन्ग है. ओके, ओवरऑल फेज डिफरेंस थीटा है. सो द एंगल बिटवीन द फेजर एंड द करंट इज कॉल्ड फेज एंगल रिजल्ट बाय थीटा. टेन थीटा इक्वल्स टू VL माइनस VC अपॉन VR. ओके, और क्या जानना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये आप ऑलरेडी जानते हो कि XL इक्वल्स टू ओमेगा वाला है, X इक्वल्स टू 1/ωC. ओके, सो ये चीज़ भी याद रखनी है आपको. आई होप
देर दिस इंफॉर्मेशन वर्क्स फॉर यू. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में देर आर टू स्ट्रेट वायर्स, दे आर कैरिंग अ करेंट 10 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन. द सेपरेशन बिटवीन द वायर्स 10 सेंटीमीटर. वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द वायर्स. नाउ सी, अच्छा इसका आंसर जीरो नहीं होगा. ओके सो देर शुड बी सम वैल्यू, एंड वाई इज दैट, लेट मी शो यू द सॉल्यूशन. सो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो दो वायर हैं और दोनों में ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो जो फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू फर्स्ट वायर, वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा अगर आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो. आई थिंक आई होप यू नो ऑल दिस थिंग्स. सो व्हेन यू अप्लाई द राइट हैंड रूल, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन विल बी इन इनवर्ट डायरेक्शन, एंड ऑल्सो ड्यू टू वायर टू that will also come in inward direction. So in that case, जो magnetic field होगा वो जुड़ जाएगा, they will not cancel each other. So okay, so or due to the wire at point P, at a distance D from the wire, the magnetic field, the expression of magnetic field is mu B equals to mu naught I upon 2 pi D. So यही apply करना है यहाँ पर, and for wire 1, we will have a mu naught into 10, 10 is 10 ampere is the current, and 2 pi into 5. Since the distance between the wire is 10 centimeter, so between at point P it will be 5 centimeter. So 2 pi into 5. So first kilo mu naught upon pi, second kilo mu naught upon pi. When you put the value of mu naught, so you will get 0.8 into 10 to power 6. अच्छा ये सेंटीमीटर में मैंने चेंज नहीं किया, जब आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 0.8 into 10 to power minus 4. 10 टू पावर, जब आप सेंटीमीटर पे चेंज करोगे तो ये 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आएगा. ओके कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, 22 इज डन. 22 द आंसर वुड बी डी. सो 23 देर इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, एंड द सेपरेशन बिटवीन द plates is D, we have to calculate the energy density in a medium. So again, if you know the expression, you will do this question in few seconds. So the answer is B. Let me show you something. So this is the required expression for electric field density or energy per unit volume, U equals to K epsilon naught by 2 V by D. Here V by D means electric field. So there is a square of electric field. So based on this expression, there can be numerical questions in upcoming examinations. So keep this in mind. So question number 24. Now, which of the following is a Maxwell electromagnetic field equation is correct? Okay, so again, I'm going to show you something. See, the Maxwell first equation, which is here given to you. This is del cross B, del cross E equals to minus del B upon del T. And we put B equals to mu h. Now when we write the expression for del cross E, that means in determinant I j k, del upon del x, del upon del y, del upon del dash, and ex, ey, ez, and by solving it and comparing it with the right hand side like this. Okay, I hope you understand how it is coming. So I just have like मैंने से बस ओपन कर दिया है. सो इन दिस एक्सप्रेशन, ओके सो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आएगा, और फिर राइट हैंड साइड को भी हम इसको थोड़ा एक्सप्रेस कर देते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होगा. अब जब राइट हैंड साइड को आप करोगे, मतलब म्यू डेल एच अपॉन डेल डेल
म्यू माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी को, तो एच को भी जब आप ओपन करोगे तो आई एच एक्स प्लस जी एच वाई प्लस जी के एच जेड लिख सकते हो। अब इन कंपोनेंट्स को जब आप कंपेयर करोगे तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, ओके। और जब आप अपने ऑप्शंस से इनको मैच कराओगे तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा, तो वो जो ऑप्शन आपका आएगा वो थर्ड ऑप्शन आएगा, ओके। सो दिस इज़ एन इजी क्वेश्चन, आई होप यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 25, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ ई, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन with respect to position, so I think the answer here would be decreases linearly. The answer would be C, decreases linearly. Okay, question number 26. सो वन क्वेश्चन स्किप हो गया था जिसका सॉल्यूशन अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सो हियर अ मास ऑफ 3 kg पोजिशन एट 2 meters फ्रॉम द ओरिजिन इज मूव टू अ न्यू पोजिशन 5 meters फ्रॉम द ओरिजिन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज एट रेस्ट, व्हाट वुड बी द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय बिगर मास ऑन द स्मॉलर मास। अच्छा, हमें वर्क डन निकालना है व्हेन द स्मॉलर मास मूव्स फ्रॉम 2 meters टू 5 meters और ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट को 1 unit लेना है। सी, करना क्या है इस क्वेश्चन में। सो इनिशियली जो 10 kg का मास है वो रेस्ट पे है और 3 kg का मास जो है कि वो 2 meters पोजीशन पे रखा हुआ है इनिशियली। आफ्टर दैट ये 3 kg का मास 3 meters और आगे बढ़ाया जाता है, मतलब ओरिजिन से ओवरऑल 5 meters बढ़ता है। पहले तो 2 meters इनिशियली था, अब 2 meters से वो 3 meters और चल के 5 meters पर जाता है। तो वर्क डन का हम जानते हैं एक्सप्रेशन डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल एफ डी एक्स और फिर एफ की प्लेस पे आप लग सकते हो जी जी एम वन एम टू अपन एक्स स्क्वायर। तो जी की वैल्यू 1 दी हुई है, एम वन इज़ 10 kg, एम टू इज़ 3 kg। और अच्छा, ये जो वर्क डन है ये आप देखो नेगेटिव इसलिए क्योंकि जो बिगर मास है वो अब उसकी हम अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके। क्योंकि वो बिगर मास स्मॉलर मास पे जो उसका इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा और अब हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो वर्क यहाँ पे नेगेटिव होगा। और फिर 2 meters से 3 meters, 2 meters से 5 meters पे जा रहे हैं तो जो लिमिट होगी इंटीग्रेशन की 2 to 5 होगी। और फिर उसके बाद अब हमने जी की वैल्यू रखी 1 × 10 × 3 अपॉन आपका जो डिफरेंस है 2 से 5 जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये लिमिट याद रखनी है, मतलब ये लिमिट ध्यान रखना है 2 to 5 और नीचे एक्स स्क्वायर डी एक्स। और फिर जब 1 x² का आप 1/x² का इंटीग्रल करोगे तो ये 1/x आया। और फिर उसको आपने इसको रख देना है माइनस माइनस प्लस हो गया 1/5 माइनस 1/2 एंड व्हेन यू सॉल्व इट द एक्सप्रेशन यू विल गेट -9। सो आई थिंक दिस वुड बी द राइट आंसर। आई होप दिस सॉल्यूशन इज़ क्लियर टू यू। आप इसे फिर से देख लो ताकि ये क्लियर हो जाए कि कैसे सॉल्व करना है इसे, ओके। सो अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इट्स इज द पॉसिबल लोअर लिमिट ऑफ ए रिचर मैग्नीट्यूड स्केल बाई एनी अर्थक्वेक, ओके। सो अगर आप ये फिगर देखो तो जैसा कि आप देख रहे होगे कि ये जो पॉसिबल लोअर लिमिट है वो -2 है, तो इसका आंसर -2 होना चाहिए। सो द आंसर वुड बी -2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the magnitude and intensity of earthquake. The intensity describes the severity of earthquake effects on man-made and other natural structures. That is true. Magnitude describes the size of an earthquake. Intensity depends on the actual size of an earthquake. That is also true. So I think the option would be D. Okay.
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, सो ये आपको फोकल मैकेनिज्म मैच द फॉलोइंग मैच करना है. तो जो नॉर्मल फॉल्ट होगा उसका आप देखो क्या होना चाहिए. नॉर्मल फॉल्ट के केस के लिए ये 2 होगा, रिवर्स फॉल्ट B1, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट 4 एंड डीप स्लिप फॉल्ट 3. तो जो ऑप्शन बनता है इसका वो ऑप्शन डी बनता है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द माउंटेन ऑर्डर कोर ऑफ द अर्थ. सो दिस इज एस वेव्स. ओके, एस वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द आउटर कोर ऑफ द अर्थ. द पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस वर्टिकली अबव द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर. यू ऑल नो दैट. वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर म्यू इक्वल्स टू 1.5 लैम्डा. तो देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूले बिल्कुल याद होना चाहिए. जैसे जो पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला होता है, सिग्मा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा प्लस म्यू. ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल याद होना चाहिए. तो जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे म्यू इक्वल्स टू 1.5 लैम्डा, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 0.2 आ जाएगी. ओके, इफ़ एन अर्थक्वेक इज, क्वेश्चन नंबर 32, इफ़ एन अर्थक्वेक इज लार्जर देन द मेन शॉक इन एन अर्थक्वेक सीक्वेंस देन द मेन शॉक इज रीडेजिग्नेटेड एज. तो जब जो आफ्टर शॉक, मतलब जो मेन शॉक है उसके पास जो आफ्टर शॉक आ रहा है वो बहुत लार्ज है, मेन शॉक से भी लार्ज है, तो मेन शॉक बिकम्स फोर शॉक. ओके, सो द आंसर वुड बी सी. द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एनुअल रिलीज ऑफ सेस्मिक एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ. तो जो शैलो फोकस डेप्थ के अर्थक्वेक होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. एनुअल रिलीज में उन्हीं का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होता है. ओके, जैसा कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे, द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन अबाउट 85% ऑफ एनुअल रिलीज ऑफ सेस्मिक एनर्जी इज लिबरेटेड इन शैलो फोकस अर्थक्वेक. तो जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग भी होते हैं शैलो फोकस अर्थक्वेक, क्योंकि वो सरफेस के एकदम करीब होते हैं तो फिर डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इट सीज इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 अर्थक्वेक्स डिफर बाई 4 देन द करस्पॉन्डिंग एनर्जीज विल. तो जो मैग्नीट्यूड, जो आपका फॉर्मूला है अगर आप ये जो फॉर्मूला होता है लॉग, बेसिकली लॉग ई इक्वल्स टू 4.8 प्लस 1.5 ms. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 4 है. तो मान लेते हैं E1 E2 एनर्जीज हैं, तो जब आप उनको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये आपको आ जाएगा लॉग E1 माइनस E2, सॉरी लॉग E2, और ये इक्वल होगा 1.5 इंटू डिफरेंस आपका है 4, तो ये 6 हो गया. और लॉग E1 माइनस लॉग E2, दैट मींस E1 बाई लॉग E1 बाई E2, सो अगेन इट बिकम्स लॉग E1 बाई E2 इक्वल्स टू 6, और ये बेस 10 होता है इसका, तो फिर उस साइड में जाएगा 10^6, ये बन जाएगा. सो द आंसर वुड बी सी, 34. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम विच शोज 4 डिफरेंट सेस्मिक वेव पास आउट रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड पी वेव. विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिप्रेजेंट द PKI KP. जो स्मॉल आई होता है वो आपका रिफ्लेक्शन को शो करता है, और बेसिकली रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इनर कोर बाउंड्री. तो ये आप देखो जो वेव 3 है, फिगर में दिख रहा होगा आपको, वेव 3 है वो इनर कोर से पहले वो ट्रैवल कर रही है
थ्रू मेंटल देन आउटर कोर और दर इनर कोर बाउंड्री से वो रिफ्लेक्ट होके रिकॉर्ड हो रही है सरफेस पे, तो वेव थ्री वुड बी द राइट आंसर. ओके, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इट वॉज करेक्शन इन ग्रेविटी सर्वे. इट डिपेंड्स ऑन द शिप वेलोसिटी कोर्स डायरेक्शन विद ट्रू नॉर्थ एंड लैटिट्यूड. अगर आप फॉर्मूला देखो उसका, इट वॉज करेक्शन का, इट दैट इज बेसिकली, तो जो इट वॉज करेक्शन होता है जनरली जो हम यूज़ करते हैं ये वाला फार्मूला, जहाँ वी वेलोसिटी नॉट में ही होती है, तो 7.503 वी डैश कॉस 5 साइन अल्फा प्लस 0.04154 वी स्क्वायर मिली गया. तो फाइव क्या है, लैटिट्यूड है, अल्फा कोर्स डायरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ. तो जब आप ये फार्मूला चेक करोगे तो उसकी जो ऑप्शन यहाँ पे सही, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सही मैच कर रहा है वो ये आप देख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द शिप वेलोसिटी कोर्स डायरेक्शन विथ ट्रू नॉर्थ एंड अर्थ लैटिट्यूड. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेटोरियल एंड पोलर रेडियस ऑफ द अर्थ आर अप्रॉक्सीमेटली 6378 किलोमीटर एंड 635 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली द फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ. तो जो फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है वो है, तो जो फॉर्मूला है F equals to A माइनस C अपॉन A, मतलब फिर से लिख देता हूँ, F equals to A minus C upon A. So A is basically here equatorial radius, C is polar radius divided by equatorial radius. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, तो वो जो वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए उसका ऑप्शन होगा C आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस जेड इफ हाफ हाइट वेट ऑफ ग्रेविटी एनोमली 6.135 किलोमीटर. नाउ सी, जो इसका फॉर्मूला है जनरली जो हमें याद रहता है दैट इज D equals to 1.3 x half. तो यहाँ जो x half हम लेते हैं वो, अगर आप इसको यहाँ देखोगे ये जो width है वो दोनों साइड W जो जनरली दिया हुआ है ये दोनों साइड्स के, मतलब फ्रॉम माइनस टू प्लस दिया हुआ है. अब अगर x half आप यूज़ कर रहे हो तो वो ज़ीरो से माइनस ज़ीरो से पॉजिटिव साइड के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं. तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब अगर आप इस तरह जो width W दिया हुआ है तो जो फार्मूला बनता है वो W के लिए डी इक्वल्स टू 0.5 W. तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं कि किस तरह से इनको आप यूज़ करना है. अगर ये जब हम x half यूज़ करते हैं तो ये ध्यान रखना होगा कि वो सेंटर से, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सेंटर से पर्टिकुलरली ये जो डिस्टेंस होती है वो x half होती है, तब वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे d equals to 1.3 x half. और अगर इस तरह से दिया हुआ जहाँ ये टोटल आपको विड्थ दी हुई है, तब जो आप यूज़ करोगे डेप्थ इक्वल्स टू d equals to 0.5 W. ओके, तो यहाँ पे W आपको W आपको दिया हुआ है 6.1, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे वंस अगेन तो ये जो आंसर आएगा वो 3 किलोमीटर आएगा. ओके, 0.5 × 6.135 किलोमीटर. ओके, क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग मैग्नेटाइजेशन लूप ऑफ एन आर्बिट्री फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ओके, व्हाट विच पॉइंट
इन दी डायग्राम रिप्रेजेंट द परमानेंट सॉरी रिमिनेंट मैग्नेटाइजेशन। ओके तो मैं एक और फिगर दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देखते हैं इसका। सो अब इस फिगर को देखते हैं। ये फिगर रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक हायर स्टेरसिस। ओके तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो मैग्नेटिक हायर स्टेरसिस का फिगर है, बेसिकली इट इज़ फॉर फेरी मैग्नेटिज्म। तो इस केस में सॉरी फेरो मैग्नेटिज्म। तो इस केस में हो क्या रहा है, अब देखो, जैसे आप एक किसी भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में क्या हो रहा है कि आपने हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, मतलब अगर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा जो एग्जैक्टली फील्ड के डायरेक्शन में होगा, बट एक सेचुरेशन पॉइंट होगा लाइक MS, जिसको हम सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कहेंगे। तो किसी भी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम हटा लें तो उसमें कुछ रेमिनेंस मैग्नेटाइजेशन रह जाता है, पूरी तरीके से वो गायब नहीं होता, तो उसी को हम बोलते हैं आइसोथर्मल रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इफ़ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस टू जीरो, ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रिटेन्स द पार्ट ऑफ इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पे देखो जो H है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, MS मैग्नेटाइजेशन सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है। तो जब हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड H को ज़ीरो कर दिया तो भी मटेरियल में एक रिमिनेंस मैग्नेटाइजेशन रह गया, जिसको हम यहाँ पे MRS से डिनोट कर रहे हैं। ओके अब क्या चीज़ यहाँ पे और समझनी है हमें, तो दिस रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड रेमिनेंस और आइसोथर्मल रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम MRS से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो MRS अपॉन MS है वो ग्रीन साइंस पे द रेशियो MRS अपॉन MS, जो रेमिनेंस मैग्नेटाइजेशन है और जो ओरिजिनल सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है उसका रेशियो ग्रीन साइंस पे डिपेंड करेगा। अब मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में है, आयरन में अपोजिट डायरेक्शन है इंड्यूस रिमिनेंट मैग्नेटाइजेशन के, तो क्या होगा कि अब मटेरियल में जो और पार्ट मतलब और जो ग्रेन्स हैं वो, क्योंकि हमने अब फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो जो ग्रेन्स है इस बार वो रीमैग्नेटाइज होंगे एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। तो एक वैल्यू फील्ड की SC जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हम रिवर्स फील्ड है जो वो उसको हम कोर्सिव फोर्स भी कह रहे हैं, तो वो फील्ड पे जो इंड्यूस रिवर्स मैग्नेटाइजेशन है वो एग्जैक्टली कैंसिल करेगा ओरिजिनल रिमिनेंट मैग्नेटाइजेशन को, और अब जो नेट मैग्नेटाइजेशन होगा इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली SC पे वो ज़ीरो होगा। ठीक है, सो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ SC ऑफ द रिवर्स फील्ड द इंड्यूस रिवर्स मैग्नेटाइजेशन एग्जैक्टली कैंसल द ओरिजिनल रिमिनेंस एंड द नेट मैग्नेटाइजेशन इज ज़ीरो। मतलब ये है कि जो पार्ट, मतलब कह सकते हो कि जैसे इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये पहले ओरिजिनली यहाँ से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से, यहाँ से अगर आप देखोगे तो पहले ये इस तरह से बढ़ रहा है और एक पॉइंट आया कि सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन सैचुरेट हो गया, फिर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मतलब जो भी हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको हटा लिया, क्या हुआ फिर मैग्नेटाइजेशन रिड्यूस हुआ, जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ था वो रिड्यूस होकर ज़ीरो नहीं होता, एक वैल्यू कुछ ना कुछ रिटेन करता है, जिसको हम आइसोथर्मल रिमिनेंट मैग्नेटाइजेशन कह रहे हैं। फिर हमने रिवर्स फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इस केस में जब हमने रिवर्स फील्ड अप्लाइड किया है तो SC एक रिवर्स फील्ड है जहाँ पे जो ओरिजिनल रिमिनेंस था उसको वो एग्जैक्टली कैंसिल कर दे रहा है, फिर हम और रिवर्स फील्ड को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर देखो ये इस तरह से जा रहा है, ये और निगेटिव जब हमने रिवर्स फील्ड अप्लाई किया हुआ है इस केस में, तो अब मैग्नेटाइजेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में रीच कर रहा है। ओके तो बस ये चीज़ आपको ध्यान देनी, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, विच पॉइंट इन द एबो डायग्राम रिप्रेजेंट द रिमिनेंट मैग्नेटाइजेशन। तो अब आई थिंक आप क्लियरली ये समझ सकते हो कि जो पॉइंट P2 है वो रिमिनेंट मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो द आंसर वुड बी P2। ओके क्वेश्चन नंबर 40,
मैंने शुरू में भी ये फिगर दिखाया आपको, और इसको फिर एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट्स फेरी मैग्नेटिज्म। सो इसको फिगर को आपको ध्यान में रखना है, और बाकी जो फिगर्स हैं उनको भी आपने ध्यान में रखना है। जैसे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का केस क्या होगा, स्पिन कैंटेड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का क्या होगा, फेरोमैग्नेटिज्म के लिए क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैंने शुरू में दिखाई हैं। सो आप वहाँ से फिर से चेक कर सकते हो। वॉट विल बी द अप्रॉक्सीमेट प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 30,000 एन रसला एंड गैरोमैग्नेटिक रेशियो इज गिवन। फ्रिक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और गायरोमैग्नेटिक रेशियो दिया है। तो जो फॉर्मूला होता है बी टी इक्वल्स टू 2 पाई एफ अपॉन गामा। ओके, यू इफ़ यू पुट ऑल द वैल्यूज हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी एज। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो 1275 के आसपास आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। ओके, 41 इज डन, आंसर इज ए 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोस्टेसी मॉडल। तो जैसा कि आप जानते हो कि प्रैट मॉडल, एरी मॉडल और वैनिंग मॉडल इज आइसोस्टेसी मॉडल, बट हेस मॉडल दैट इज रिलेटेड टू सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सो ऑप्शन सी वुड बी द आंसर। नाउ मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। हमें ये आइसोस्टैटिक ग्रेविटी एनोमली को और इनके केसेस को कंपेयर करना है। तो जब हम कहते हैं कि टोपोग्राफी इज़ कम्प्लीटली कंपनसेटेड, तो हम कहेंगे कि जो हमारा आइसोस्टैटिक एनोमली है वो ज़ीरो होगा। सो आइसोस्टैटिक एनोमली क्या होती है? दी आइसोस्टैटिक ग्रेविटी एनोमली डेल्टा G1 इज डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन द बुगर ग्रेविटी एनोमली एंड द कंप्यूटेड एनोमली ऑफ द रूट जोन। ओके, तो ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। सो जैसा कि आप देख रहे हो, जब भी कंप्लीट आइसोस्टैटिक कंप्लीट कंपनसेशन होता है तो उस केस में जो आइसोस्टैटिक ग्रेविटी एनोमली आती है वो ज़ीरो आती है, क्योंकि जो बुगर ग्रेविटी एनोमली है और जो एनोमली ड्यू टू द रूट जोन वो इक्वल होते हैं। अब केस दो केसेस हैं इसमें, एक ओवर कंपनसेशन और अंडर कंपनसेशन। ओवर कंपनसेशन के केस में क्या होता है कि आपकी जो जैसा कि आप देख रहे हो, तो कंप्लीट कंपनसेशन का आई थिंक आप समझ गए होगे। अब जो ओवर कंपनसेशन का केस है उसमें क्या हो रहा है कि जैसे आप देखो, जो रियल रूट है वो ज़्यादा है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, रियल रूट ज़्यादा है, तो जो टोपोग्राफी है इस केस में अपलिफ्ट करेगी ताकि वो रियल रूट को मैच कर सके। हिमालयस इसका एक एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि हिमालयस अभी भी कंपनसेटेड नहीं है, तो यहाँ पे हिमालयस कंटिन्यूली अपलिफ्ट हो रहा है ताकि वो आइसोस्टैटिकली कंप्लीट कंपनसेशन हो सके। तो यहाँ पे आप देखो कि जो रियल रूट की एनोमली है, जो बुगर एनोमली, वो हमेशा रियल रूट की वजह से आएगी। तो डेल्टा जी भी रियल रूट की वजह से आएगी, और जो कंप्यूटेड रूट है वो एग्जैक्टली जो टोपोग्राफी अभी है, अभी अपलिफ्टमेंट पूरी तरीके से तो हुआ नहीं है कि रियल रूट को मैच कर सके, तो अब जो कंप्यूटेड रूट आएगा वो टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग आएगी, वो इस केस में लेस लेस नेगेटिव होगी। और बुगर एनोमली रियल रूट की वजह से आएगी, जो कि बहुत नेगेटिव होगी। तो आप कह सकते हो कि हमें जब आप माइनस करोगे डेल्टा जी बी माइनस डेल्टा जी आर, तो जी बी इज़ मोर नेगेटिव। तो मान लो कि मोर नेगेटिव को आप लेस नेगेटिव से आप माइनस कर रहे हो, तो ओवरऑल आपकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो इस केस में डेल्टा जी बी जो डेल्टा जी वन आएगा, मतलब आइसोस्टैटिक के नाम में लेस देन ज़ीरो आएगा। अब अंडर कंपनसेशन का केस देख लेते हैं। इस केस में क्या है कि टोपोग्राफी जो जो रियल रूट है वो अब जो रियल रूट है वो स्मॉल है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, और अगेन रियल रूट की वजह से, बुगर एनोमली हमेशा रियल रूट की वजह से आएगी। अब टोपोग्राफी हाई है तो वो रियल रूट को मैच करने के लिए, फिर वो रियल रूट को मैच करने के लिए सब्सिडेंस होगा। तो जो इस केस में क्या होगा, जो आपका बुगर एनोमली है डेल्टा जी बी, वो आपका रियल रूट की वजह से आएगा और वो लेस नेगेटिव है,
और जो कंप्यूटर रूट है वो ज़्यादा ज़्यादा निगेटिव है। तो डेल्टा जी बी माइनस डेल्टा जी आर आप जब करोगे तो फिर उस केस में आपको ये डेल्टा जी वन बेसिकली डेल्टा जी वन यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा अंडर कंपनसेशन के केस में। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन को जब देखते हैं तो ये बोल रहा है कि टोपोग्राफी इज़ ओवर कंपनसेटेड। तो ओवर कंपनसेटेड के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, अरे ए का जो मैच क्या होगा, डेल्टा जी वन इज़ लेस देन ज़ीरो तो ए शुड बी टू, टोपोग्राफी इज़ कम्प्लीटली कंपनसेटेड बी शुड बी थ्री एंड सी टोपोग्राफी इज़ अंडर कंपनसेटेड सी शुड बी वन एंड ज़ीरो रूट अनॉमली। तो डेल्टा जब ज़ीरो रूट अनॉमली है तो डेल्टा जी वन आपका बुगर ग्रेविटी अनॉमली के इक्वल होगा। तो द आंसर वुड बी इन दिस केस ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 43 इज डन, 44 ओके। सो द स्केच बिलो रिप्रेजेंट अ प्रेड मॉडल विद थ्री कॉलम्स ऑफ इक्वल विड्थ, थ्री कॉलम्स ऑफ इक्वल विड्थ ओके, रो वन रो टू रो थ्री आर द मेन डेंसिटी ऑफ दिस कॉलम्स सो अकॉर्डिंग टू प्रेड मॉडल। नाउ सी ये एरी मॉडल है और प्रैट मॉडल है। तो सबसे पहले हम एरी मॉडल को देख लेते हैं। तो एरी मॉडल में क्या हो रहा है कि जो क्रस्ट की डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। तो डेंसिटी क्रस्ट की हो या वो मेंटल की वो कांस्टेंट है। और आप एरी मॉडल में जान लो कि जितना मतलब इसको बोलते हैं कि जो माउंटेन हो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तो इसके नीचे हमेशा एक रूट जोन होगा। और आप देख लो कि द डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट एंड द मेंटल आर एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट and the thickness of root varies in proportion to the elevation the topography। तो ये एरी मॉडल का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अपर लेयर विच इज़ क्रस्ट दैट फ्लोट्स ऑन द डेंसर मैग्मा लाइक सबस्ट्रेटम जस्ट एज आइसबर्ग फ्लोट्स इन द वाटर ओके एंड द अपर लेयर इज इक्वेटेड विद द क्रस्ट एंड द सबस्ट्रेटम विद द मेंटल। तो ये क्रस्ट मेंटल बाउंड्री को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एरी मॉडल जो है इसको आप ये भी कह सकते हो, मतलब ये है कि आप एरी मॉडल को मोहो डिसकंटिन्यूटी से भी इक्वेट कर सकते हो। और यहाँ पे जो हाइट ऑफ द माउंटेन है वो द सी इज मच लेस देन द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट अंडरनीथ इट ओके। तो कि जैसे कि एक जो आइसबर्ग होता है उसका जो विजिबल पार्ट होता है वो बहुत ही स्मॉलर है जो उसके सब सेपरेट पार्ट से। तो यहाँ पे रूट जोन काफ़ी ज़्यादा होता है इन केस ऑफ एरी मॉडल। तो ये एरी मॉडल की बात होगी। अब प्रैट मॉडल देखते हैं। सो प्रैट मॉडल का केस क्या है कि जैसे जैसे जो जो भी कॉलम की हाइट होगी उसकी मेन, अगर बहुत हायर कॉलम है तो उसकी मेन डेंसिटी उतनी ही कम होगी ओके। प्रैट मॉडल इस पे वर्क करता है। तो आप ये फिगर जैसे देखोगे यहाँ पे, तो जैसे ये रो वन है रो टू है तो जो माउंटेन्स की हाइट जितनी ज़्यादा है उसकी मेन डेंसिटी उतनी कम होगी ओके। तो यहाँ पे डेंसिटी वेरी कर रही है, डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। क्रस्ट की डेंसिटी को या उसके मतलब वो माउंटेन की क्रस्ट की हाइट पे डिपेंड कर रहा है ओके। सो लेट्स सी अवर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट वाला है ये माउंटेन्स की हाइट बहुत ज़्यादा है यानी इसकी मेन डेंसिटी और कम होगी, और इसकी मेन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी थर्ड वाले की। तो ये जो क्रम बनता है वो बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। द प्रेडिक्शन ऑफ एवरेज इरोजनल सॉइल लॉस इन ए वाटर शेड बाई यूजिंग रिवाइज द यूनिवर्सल सॉइल इक्वेशन ओके। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन का तो मुझे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन अभी मेरे पास नहीं है, बट इसका जो आंसर वो सी है। बाकी अगर इस तरह के क्वेश्चन जिनका आइडिया ना हो तो इन्हें स्किप करना ही बेटर होगा। एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्वेश्चन नंबर 46। एक्टिव रिमोट सेंसिंग टेक्निक यूजेस इट्स ओन सेंसर एंड सिग्नल बोथ सो ऑप्शन सी वुड बी आंसर सी। ओके सी इज द आंसर
क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। बैलून्स आर यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन। ओके, ये बैलून्स के केस में ये जो होता है वो मिडिल एटमॉस्फेयर अप टू 30 मैक्सिमम अप टू 37 किलोमीटर यूज़ किया जाता है। तो ये आपका एयरक्राफ्ट जैसे रिमोट सेंसिंग में कई तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, एयरक्राफ्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म, स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म। तो ये बैलून्स आपके एयरक्राफ्ट वाले में ही आएगा एक तरीके से, बट इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है तो ये वो 37 किलोमीटर होती है। तो ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रिमोट सेंसिंग विच बैंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज बेस्ट यूज्ड इन एनी एडवर्स वेदर कंडीशन फॉर कंटिन्यूस डे एंड नाइट ऑपरेशन। ओके, इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलरली आंसर होगा वो माइक्रोवेव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सो माइक्रोवेव जो बेसिकली, अगर आप माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में देखोगे तो वो क्लाउड को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं और वेदर वर्स्ट वेदर कंडीशन में भी माइक्रोवेव वर्क करता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव रिमोट सेंसिंग टेक्निक। तो इट्स एन ईजी वन, रडार रिमोट सेंसिंग इज एन एक्टिव वन। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेज सेंसर सिस्टम। सो क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजिंग सेंसर सिस्टम। तो इमेजिंग सेंसर सिस्टम जैसे अल्टीमीटर से बेसिकली इट टेल्स अबाउट द एल्टीट्यूड ऑफ इट टेल्स अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एल्टीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। साउंडर्स एक जैसे अगर रिमोट सेंसिंग के सेंस में बात करें तो एटमॉस्फेरिक साउंडर्स है वो अलग ही चीज़ है, स्पेक्ट्रोमीटर अलग है। तो स्कैनर इसका राइट आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज करेक्ट। लोकेशन डेटा इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स, दैट इज करेक्ट। एट्रीब्यूट डेटा इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स, दैट इज ऑल्सो। GIS इन्वॉल्व हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, दैट्स ट्रू। GIS डज नॉट इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा, दैट इज रॉन्ग। GIS डज इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, द फोर्थ इज रॉन्ग। सो फोर्थ इज रॉन्ग, आई थिंक द आंसर वुड बी सी, 1, 2, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एट्रीब्यूट डेटा इज नॉट करेक्ट। सो इन क्वेश्चन नंबर 52 इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एट्रीब्यूट डेटा इज नॉट करेक्ट। तो इट इज स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। यस, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द स्पेशल डेटा, तो स्पेशल डेटा इज टेल्स अबाउट द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज दैट इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द एट्रीब्यूट डेटा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट डिस्क्राइब द लोकेशन, नो इट डज नॉट डिस्क्राइब द लोकेशन, सो दिस वन इज नॉट करेक्ट। दैट्स वॉट आई फील, दैट्स वॉट आई हैव स्टडीड, एंड इट इज़ अ क्वालिटेटिव फॉर्म, इट इज़ अ क्वान्टिटेटिव फॉर्म। दिस वन, दिस ऑप्शन आर करेक्ट। सो आई थिंक द ऑप्शन फॉर 52 वुड बी बी, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। सो इफ एनीबडी नो समथिंग अबाउट दिस यू कैन कॉमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 53, द फर्स्ट ऑर्डर इंडिकेटर ऑफ अ ग्राउंड ऑर्डर ऑन द सेटेलाइट्स आर, दिस इज जोन ऑफ रिचार्ज। ओके, एंड लेट मी गिव यू सम अदर इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस क्वेश्चन आर नॉट कमिंग अगेन इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन, बट समथिंग एल्स कैन वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब जैसे अगर मैं इस फिगर की बात करूँ तो ये जो रिफ्लेक्टेंस कर्व दिखा रहा है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, सॉइल के लिए, वेजिटेशन के लिए, वाटर के लिए, तो इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे रिफ्लेक्टेंस कर्व ऑफ हेल्दी ग्रीन वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट मिनिमम इन द विजिबल रेंज। ओके, ये विजिबल रेंज में आप देखोगे जो वेजिटेशन है उसका वो काफ़ी मिनिमम है उसका रिफ्लेक्टेंस, तो ये पॉइंट याद रखना है। एंड दैट इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम द पिगमेंट इन द प्लांट लीव्स। ओके, एंड रिफ्लेक्टेंट इंक्रीजेज ड्रामेटिकली इन द नियर इंफ्रारेड एंड अदर रीजन्स। ओके,
अगर हम सॉइल की बात करें, बेयर सॉइल की बात करें, तो उसका बहुत ज़्यादा आपको वेरिएबल वेरिएशन नहीं दिखेगा, वो ऑलमोस्ट सीधे सीधे जा रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है सॉइल के केस में। अब वाटर की बात करते हैं, अगर वाटर कर्व की हम अगर बात करें तो आप देखो कि जो नियर इंफ्रारेड रीजन है उसमें हाईली एब्जॉर्ब हो जा रही है। सो द वाटर कर्व इज़ कैरेक्टराइज बाई हाई एब्जॉर्प्शन एट द नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ रेंज एंड बियॉन्ड। तो सिर्फ ये विजिबल रेंज में वाटर कर्व हमें दिख रहा है, उसके बाद ये टोटली एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी वाटर बॉडीज एज वेल एज फीचर्स कंटेनिंग वाटर कैन बी इजिली डिटेक्टेड लोकेटेड एंड डिलाइनेटेड विथ रिमोट सेंसिंग डेटा। ओके, दिस वॉज सम रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टीज विच आई वॉन्ट टू शो यू। इस फिगर को थोड़ा अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, सो आप ये चीज़ देखो कि ये जो वाटर है और वेजिटेशन है, इनके कर्व को आपको ध्यान रखना, क्योंकि इन पे बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। सो द 54 क्वेश्चन, आई एम रियली सो मच कंफ्यूज्ड अबाउट इट, सो आई कैन नॉट प्रोवाइड द राइट आंसर राइट नाउ। ओके, सो आई हैव टू स्किप क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। सो न्यूट्रॉन लॉग से थ्रू हमें पोरोसिटी मिलती है, सेल्फ पोटेंशियल लॉग रेजिस्टिविटी ऑफ फॉर्मेशन वाटर है, सोनिक लॉग से भी पोरोसिटी मिलती है, कैलिपर लॉग डीप ऑफ द फॉर्मेशन। नो, कैलिपर लॉग डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द डीप ऑफ द फॉर्मेशन। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इट्स गिव अबाउट द डायमीटर ऑफ द बोर होल। ओके, टाई लाइन्स आर यूज टू मेक करेक्शन फॉर। सो द टाई लाइन्स आर बेसिकली, आप जैसे देखोगे कि जैसे जो एयरबॉर्न मैग्नेटिक सर्वे में इस तरह से कुछ आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से डेटा अगर रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ये जो लाइन्स हैं इनके परपेंडिकुलर फिर जो आप देखोगे टाई लाइन्स बनाए जाते हैं, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, तो इन पॉइंट्स पे हम जो टाई लाइन्स वाले पॉइंट्स हैं जो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं फ्लाइट लाइन्स को, उन लाइन्स पे हमें आप देखोगे ड्यूनल करेक्शन जो है वो मतलब वो अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो टाई लाइन्स हमें ड्यूनल करेक्शन बेसिकली जो टाइम के साथ जो वेरिएशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके लिए वो करेक्शन हेल्पफुल होता है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। सो द मैग्नेटिक सिग्नेचर ऑफ मिनरल्स हैव टेम्पोरल वेरिएशंस, सो कलेक्टिंग डेटा यूजिंग टाई लाइन्स हेल्प्स इन लेवलिंग ऑफ द एयरबॉर्न मैग्नेटिक डेटा एंड देयर बाय रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ टेम्पोरल वेरिएशन इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो द टाइटर वेब द टाई लाइन स्पेसिंग ग्रेटली इम्प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द लेवलिंग टू इंश्योर दैट ऑल द डेटा विद इन द बाउंड्री ऑफ द सर्वे एरिया आर प्रॉपरली लेवल्ड। सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस चीज़ को, दैट बेसिकली टाई लाइन्स के हम के वजह से हम जो ड्यूनल वेरिएशन आ रहा है ड्यू टू अर्थ मैग्नेट फील्ड्स वो करेक्ट हम कर सकते हैं। 57 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेशन हैंडलिंग ड्यूरिंग मरीन ग्रेविटी सर्वे इज करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर कुड बी दैट इट वर्क्स ऑन वाटर सर्फेस ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज फ्रॉम द एयर फॉर एक्सप्लोरेशन पर्पज, दिस इज सेस्मिक मेथड, ऑल अदर मेथड्स कैन बी यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेल लॉग्स इज नॉट करेक्ट, गामा लॉग वर्क्स इफेक्टिवली इन केज डोर, दैट इज ट्रू, न्यूट्रॉन लॉग्स वर्क्स इफेक्टिवली इन केज डोर, दैट इज ऑल्सो ट्रू, सोनिक लॉग्स वर्क्स ऑल्सो ट्रू, बट द गामा लॉग बेसिकली द ऑप्शन बी, गामा लॉग बेसिकली दैट डज नॉट वर्क इफेक्टिव इन केज डोर्स, सो ऑप्शन वुड वी वुड बी रॉन्ग,
सॉरी ऑप्शन इन मतलब मीन्स दैट गामा गामा लॉग डज नॉट वर्क इफेक्टिवली इन दी केज 12. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी बिकॉज इट इज़ आउट विच ऑफ द इट इज़ आस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट. बिकॉज गामा गामा में क्या होता है ना कि आप अपना सोर्स यूज़ कर रहे होते हो तो फिर वो फॉर्मेशन का रिस्पॉन्स हमें जैसे गामा का इंट्रैक्शन और जब गामा रेडिएशन का जो फॉर्मेशन से इंट्रैक्शन हो रहा है उसके रिस्पॉन्स के वो रिस्पॉन्स को मेज़र करते हैं. तो अगर आपने केसिंग कर दिया तो वो और एटेनुएट हो जाएगा तो हमें वो मतलब अच्छा बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चल पाएगी फॉर्मेशन के बारे में. सो गामा लॉग बेसिकली डेंसिटी लॉग डज नॉट वर्क इफेक्टिवली इन द केज 12. Which of the following is the most preferred electrode configuration for induced polarization survey? It is polar dipole dipole. Okay. Which of the following relation is correct regarding resistivity of different kinds of formation of water? तो permafrost की resistivity सबसे ज़्यादा होती है, फिर fresh water की होगी और फिर salt water की. तो option B. Which of the following cannot be detected using electromagnetic survey? Rock strength cannot be detected. All other these three flow, seepage, permafrost, pipe metals can have idea about idea from the electromagnetic survey, but rock strength जैसी कोई चीज़ नहीं है जो electromagnetic survey provide करे. A medium consists of two zones of resistivity, 10 and 30 ohm separated by boundary of inclined plane. Which part, what part of current will be reflected from the boundary? ओके तो जो फॉर्मूला है इसमें बेसिकली रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का दैट की इक्वल्स टू रो टू माइनस रो वन अपॉन रो टू प्लस रो वन. आपको ये यूज़ करना है तो फिर जब आप कैलकुलेट करो सो 0.05 वुड बी द आंसर. 64. As per Peters and Bardeen formula for determining the depth of penetration of electromagnetic waves as a function of frequency, what will be the best frequency for a penetration depth of 100 meters and for resistivity of 10,000 ohm? Okay. अब क्वेश्चन नंबर 64. इस क्वेश्चन में मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ बिकॉज ये पीटर्स एंड बर्डिन फार्मूला मुझे मैंने तो ऐसा कुछ कहीं देखा नहीं है. बट जो जैसे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो होता है उसका जो फार्मूला है वो बेसिकली ये होता है डी इक्वल्स टू 100 रो बाई एफ. तो यहाँ जब डी की वैल्यू आप 100 रखोगे और रो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है ये ओम सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसे ओम मीटर में लाना होगा तो ये 100 आ जाएगा. और फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 100 हर्ट्स आएगी. बट मैं श्योर नहीं हूँ इस पर्टिकुलरली क्वेश्चन के बारे में. Which of the following surveys uses very low frequency wave method? It is electromagnetic method. Which of the following statements regarding electrical profiling is correct? Okay. So it says it provides a lateral variation of resistivity. Yes, that's true. It provides vertical. No, that's not true. The current and potential electrodes are not maintained at fixed separation. No, the current and potential electrodes are maintained at fixed separation. So this statement is also wrong. It does not require any external current source. It does require. So option A is correct in question number in question number 66. Option A is correct. Which type of which of the following sounding curve fully represent a three layer resistivity model with resistivity decreasing with depth? Okay, so if I write all four, that there are four things. Rho 1 is greater than rho 2 is greater than rho 3
रो वन इज़ ग्रेटर देन रो टू इज लेस देन रो थ्री, रो वन इज लेस देन रो टू इज ग्रेटर देन रो थ्री एंड रो वन इज लेस देन रो टू इज लेस देन रो थ्री. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो दिस वन इज क्यू एच के एंड ए. इट्स इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग रेजिस्टिविटी डेप्थ. सो दैट इज क्यू टाइप. सो रेजिस्टिविटी इज डिक्रीजिंग विद डेप्थ इन क्यू टाइप. यस. सो द आंसर वुड बी डी. Identify the electrode array shown in the following diagram. It is very easy question. We all know it. That is a Wenner array. Okay. Question number 16. The phenomenon of permanent thinning of a steel rods subjected to high strain result in a that is a प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. ओके. 70. इन अ बेसाल्टिक टेरेन द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन डिटरमाइंस बाय. ओके. सो इन बेसाल्टिक टेरेन द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन इज डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग. सो अगर बेसाल्टिक टेरेन की बात करो, जो जैसे जो अगर आपने फिगर देखा होगा तो जो स्प्रेडिंग अगर आप जो लावा जो सी फ्लोर पे जो आप देखोगे बेसाल्टिक टेरेन में क्या होता है कि वो जब स्प्रेडिंग होती है तो वो पीलो स्ट्रक्चर हमें मिलता है कुछ इस तरह के फॉर्म में ऐसे कुछ बनता है. तो वो सुपरपोजिशन में मतलब नॉर्मल ऑर्डर सुपरपोजिशन शो कर रहा होता है. तो पीलो स्ट्रक्चर इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि बाकी ऑप्शन तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बिल्कुल भी फिट बैठते हैं. सो 70 का डी. सो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर पिलो स्ट्रक्चर होना चाहिए. अब रिपल मार्क्स ग्रेडेड बेडिंग और सोल मार्किंग क्या है इनके बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं. सो बेसिकली रिपल मार्क्स आप फिगर में भी देख सकते हो. रिपल मार्क्स आर द सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर विच आर विच कैन बी फॉर्म्ड बाई आइदर एक्शन ऑफ वाटर और विंड. सो रिपल मार्क्स आर रिजेस ऑफ सेडिमेंट्स दैट आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू विंड ब्लोइंग अलॉन्ग ए लेयर ऑफ सेडिमेंट्स एंड दे आर फॉर्म परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन. सो दीज स्टेटमेंट्स दीज की पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट फॉर्म बाय परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन एंड each ridge is roughly equidistant from the ripple mark on the either side. Okay, so you can look in this figure also. Next thing, so ripple marks are sedimentary structure that basically that indicate the agitation by water or wind. So ripple marks are ridges of sediments that are formed along the perpendicular to the direction of wind direction. Also the troughs and the ridges of the fossilized margins. Also the symmetry of water current ripple marks indicate whether they were formed by gentle waves or faster water currents. Okay, ab zara types ke bare mein bhi dekh lete hain. Do types hain symmetrical ripple marks and asymmetrical ripple marks. So जो सिमेट्रिकल रिपल मार्क्स होते हैं दे आर बेसिकली आप देखोगे कि सो बेसिकली आप जैसा कि यहाँ मेंशन भी है दे ऑफन फाउंड ऑन द विचेस एंड दे आर क्रिएटेड बाय टू वे करंट. फॉर एग्जांपल वीव्स ऑन द विच शॉश एंड बैक वॉश दिस करंट रिपल मार्क्स विद पॉइंट क्रेस्ट एंड राउंडेड ट्रफ्स विच आरंट इंक्लाइन मोर टू अ सर्टेन डायरेक्शन. So there are three common sedimentary structures that are created by these processes. This is herringbone cross stratification, flasher bedding and interference ripples. Asymmetrical ripple marks ki agar baat kare, these are created by one way current.
सो ये डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल इन अ रिवर और विंड इन अ डिजर्ट दिस क्रिएट रिपल मार्क्स विल स्टिल पॉइंटेड क्रेट्स एंड राउंडेड ट्रफ्स बट विच आर मोर इंक्लाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट. ओके, और इसीलिए अब इनको अब अगर पहलू करेंट इंडिकेटर की हम बात करें तो वो असेमेट्रिकल रिपल मार्क्स के थ्रू हमें पता चल सकता है. ओके, सो इन सारे पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है. अब ग्रेडेड बेडिंग को देख लेते हैं. तो ग्रेडेड बेडिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे आप देखोगे जैसे जैसे नीचे वो कोर सैंडस्टोन होते हैं, जैसे जैसे हम एबव जाते हैं वो फाइन सैंडस्टोन में जाता है. तो इड तो जैसे आप ग्रेडेड बेडिंग में देखोगे क्या होता है कि ए टाइप ऑफ अ बेडिंग इन विच ईच लेयर इज कैरेक्टराइज बाई प्रोग्रेसिव डिक्रीज ईच लेयर इज कैरेक्टराइज बाई प्रोग्रेस आप यहाँ पे देखोगे ईच लेयर इज कैरेक्टराइज बाई अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन ग्रेन साइज फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द बेड. दिस ग्रेडेड बेडिंग इज कॉज बाई डिफरेंशियल सेटलिंग बाई द साइज एंड वेट ऑफ द सब्सटेंस पार्टिकल इन वाटर. सो ग्रेडेड बेडिंग कैन बी यूज टू टेल विच आर द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट रॉक इन द सेडिमेंट्री सीक्वेंस बिकॉज द लार्जर बेसिकली जो बड़े ग्रेन्स होते हैं लार्जर ग्रेन्स दे आर सेटल एट द बेस ऑफ द बेड एंड धीरे 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 जैसे हम अपवर्ड सीक्वेंस जाते हैं तो रॉक्स हमारे फाइन होते जाते हैं. ओके, सो ग्रेडेड बेडिंग को हम लोग थोड़ा बांगर की जो जियोलॉजी बुक है उससे भी रिवाइज कर लेते हैं. तो जो ग्रेडेड बेडिंग है जैसा कि आप देख सकते हो जैसे जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये फाइन होते जा रहा है और नीचे जो है वो कोर सैंड है ऊपर वो फाइन सैंड है. तो इन ग्रेडिंग बेडिंग ईच बेड शोज अ ग्रेडेशन इन द ग्रेन साइज फ्रॉम कोर्स बिलो टू फाइन अबव एंड हाउ ग्रेडेड बेडिंग इज फॉर्म दे आर बेसिकली फॉर्म फ्रॉम रैपिड सेडिमेंटेशन इन वाटर. सो बेसिकली दे आर फॉर्म इन बाई रैपिड दे आर फॉर्म बाई रैपिड सेडिमेंटेशन इन वाटर. ठीक है, एंड दिस स्ट्रक्चर आर कॉमनली फाउंड इन ग्रेवैक्स. ओके, सो द बॉटम ऑफ अ ग्रेडेड बेड जनरली जो बॉटम होगा और जो टॉप होगा वो दोनों मतलब जो बॉटम है वो आप देखोगे वो उसके नीचे भी शेल है और जो टॉप है उसके ऊपर भी शेल बेड रहेगा. ये भी एक ध्यान देने वाली चीज़ है. करंट बेडिंग क्या होता है उसको भी देख लेते हैं. करंट बेडिंग इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस बेडिंग. और यहाँ पे आप देखोगे हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक देखो एक जो तुम्हारा एक मेजर बेडिंग प्लेन है और जो माइनर बेड्स हैं ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये हमेशा एक पर्टिकुलरली एंगल पे होंगे मेजर बेडिंग प्लेन के. ठीक है, सो बेसिकली द माइनर बेड्स और लेमिनेशंस लाई एट एन एंगल टू द प्लेन्स ऑफ जनरल स्ट्रेटिफिकेशन. और ये जो माइनर बेड्स हैं वो अब्रप्टली टर्मिनेट हो जाएंगे टॉप पे एंड दे आर ओवरलेन बाय अ नेस्ट करंट बेडिंग डिपॉजिट. एंड करंट बेडिंग इज नॉर्मली फाउंड इन शैलो वाटर एंड विंड फॉर्म डिपॉजिट्स. ओके, एंड दिस स्ट्रक्चर इंडिकेट रैपिड चेंजेस इन वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ स्ट्रीम्स और विंड कैरिंग सेडिमेंट्स. ओके, रिपल मार्क्स हमने ऑलरेडी देख ही लिया है फिर भी एक बार देख लेते हैं फिर से. ये वेवी अंडुलेशन है रिपल मार्क्स को प्रेजेंट करते हैं. ये विंड और वाटर दोनों के केस में ये फॉर्म होते हैं. ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है. और दो टाइप से होते हैं सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल. असिमेट्रिकल को करंट रिपल भी कहते हैं और सिमेट्रिकल को ऑक्सीलेशन रिपल मार्क्स भी कहते हैं. ओके, एंड द ऑक्सीलेशन या सिमेट्रिकल रिपल मार्क्स आर यूजफुल इन डिफाइनिंग द टॉप एंड बॉटम ऑफ द डिफॉर्म बेड्स. ओके, अब इसमें ये एक और चीज़ है सोल मार्किंग, इसको भी एक बार देख लेते हैं. अब सोल मार्किंग की अगर बात करें तो सोल मार्क्स बेसिकली क्या होते हैं जो एक जियोलॉजिकल फीचर्स हैं होते हैं जो अंडर साइड ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स लेयर्स प्रेजेंट होते हैं और वो जो डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट है उसको इंडिकेट करते हैं. ओके, और सोल मार्क्स दो टाइप से होते हैं बेसिकली प्राइमरी सोल मार्किंग और सेकेंडरी सोल मार्किंग. तो जो प्राइमरी सोल मार्किंग है वो एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स फॉर्म होते हैं और सेकेंडरी सोल मार्किंग्स आफ्टर द डिपोजिशन फॉर्म होते हैं. तो आप देखोगे सोल मार्किंग्स कैन टेक
डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग रिपल मार्क्स, मट क्रैक्स, टूल मार्क्स. रिपल मार्क्स क्या होता है हम लोग ऑलरेडी देख लिया है. मट क्रैक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द सेडमेंट्स ड्राइज आउट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कॉजिंग द सर्फिस टू क्रैक. टूल मार्क्स आर क्रिएटेड बाई द मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज रॉक और ब्रांचेस ओवर द सर्फिस ऑफ सेडमेंट्स. ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने. रिपल मार्क्स, मट क्रैक्स, टूल मार्क्स, इनकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं. थ्रो एंड हीप आर मेजर्ड. ओके सी क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं. थ्रो एंड हीप आर मेजर्ड. सो अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. सो द आंसर वुड बी 71 फॉर, इट शुड बी ए. आई थिंक द आंसर शुड बी ए. ओके एंड लेट मी शो यू समथिंग. जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे, तो आप ये फिगर अगर देख रहे होगे तो इट विल बी क्लियर टू यू कि अगर दिस इज़ द स्ट्राइक, इफ सपोज दिस इज़ द स्ट्राइक, सो जो हीव है और जो थ्रो है बोथ आर लाइक परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्राइक. सो आई थिंक ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर. एंड आप डेफिनेशंस भी देख सकते हो इस फिगर से. ओके और ये जो फिगर है अगर आप इसको भी ध्यान से देखोगे तो इसमें सारे जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी एफ और बाकी जो डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, इस फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि जो पॉइंट सी है वो स्ट्राइक स्लिप है. एंड फिर आप सी को देखो और सी के परपेंडिकुलर में एफ है. एंड डी डी इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी विच इज़ स्ट्राइक. हियर एफ रिप्रेजेंट्स हीव एंड डी रिप्रेजेंट वर्टिकल थ्रो. ओके आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 72. व्हेन द फॉर्मेशन ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ एन अनकन्फॉर्मिटी आर पैरेलल. सो दिस आंसर इज डिसकन्फॉर्मिटी. एंड आप कुछ और देख लेते. तो जब हम टाइप्स ऑफ अनकन्फॉर्मिटी पढ़ते हैं तो बेसिकली जो और भी टाइप्स के हैं बट यहाँ पे पर्टिकुलरली थ्री टाइप्स के बारे में बात करने वाला हूँ. एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी, डिसकन्फॉर्मिटी और नॉन कन्फॉर्मिटी. अगर एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो तो जो फर्स्ट फिगर है उसमें आपको समझ में आएगा कि जो जनरली जो ओल्डर बैट्स हैं वो टिल्टेड हैं इन कंपैरिजन टू द यंगर बैट्स. सो द एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी अकर वेयर द ओल्डर सीरीज ऑफ बैट्स हैव बीन टिल्टेड, डिफॉर्म्ड और इरोडेड बिफोर द डिपोजिशन ऑफ यंगर बैट्स. तो कहीं ना कहीं आप इस वे में समझ सकते हो कि एक किसी पर्टिकुलर एक एंगल पे हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो नीचे के बैट्स हैं यानी ओल्डर बैट्स हैं दे आर बेसिकली डिफॉर्म्ड एंड दे हैव बीन टिल्टेड. डिसकन्फॉर्मिटी की बात करते हैं अगर, तो डिसकन्फॉर्मिटी में आप देखो जो बोथ साइड्स ऑफ द बैट्स हैं वो पैरलर हैं. सो द रॉक बैट्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ए डिसकन्फॉर्मिटी आर पैरलर एंड डिसकन्फॉर्मिटी अकर वेयर द स्ट्रेटा ऑफ द ओल्डर सीरीज हैव नॉट बीन टिल्टेड. ये चीज़ें आपको एकदम याद रखनी है. ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत याद होनी चाहिए. और डिफॉर्म्ड इन एनी वे बिफोर द यंगर रॉक्स बैट्स वेयर डिपॉजिटेड अबव देम दे रिप्रेजेंट द आइदर ए पीरियड ऑफ नॉन डिपोजिशन और अ पीरियड ऑफ इरोजन. नॉन कन्फर्मिटी की बात करते हैं तो आप ये देखोगे कि ये सेडिमेंटरी रॉक्स जब इग्नियस रॉक्स पे मतलब ओवरलाई करें तो वो जो अनकन्फर्मिटी बन रही है उसको नॉन कन्फर्मिटी कहते हैं. तो वैन बैडेड सेडिमेंटरी रॉक्स ओवरलाई द नॉन बैडेड इग्नियस मार्क्स द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉन कन्फर्मिटी. तो जाहिर से बात है जो ऊपर की अगर नीचे सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे तो वहाँ तो कोई बैडिंग नहीं होगी, उसके ऊपर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं तो फिर एक पैरलर बैडिंग हमें दिखेगी. तो इस फॉर्मेशन को हम नॉन कन्फर्मिटी कहते हैं. इपार्शियन अगर अनकन्फर्मिटी की हम बात करें तो इपार्शियन अनकन्फर्मिटी बेसिकली जो अनकन्फर्मिटी आर्शियन और प्रोटोरियोजोइक बाउंड्री के बीच में जो बन रही होती है उसे आप इपार्शियन अनकन्फर्मिटी कहते हैं. ओके
क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोल्ड साइज हैज शार्प एंड एंगुलर हिंजेस? इसका आंसर होगा शेवरॉन फोल्ड, और बाकी जो फोल्ड्स हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा आइडिया देख लेते हैं। जैसे जो पिगमेटिक फोल्ड है उसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन इरेगुलर लोबेट फोल्ड यूजली फाउंड वेयर द सिंगल कंपिटेंट लेयर्स इनक्लोज इन द मैट्रिक्स ऑफ लो कंपिटेंस। कंपिटेंट्स का मतलब कंपिटेंट लेयर का मतलब सेंस ये है कि उस लेयर के पास एक पर्टिकुलरली एक रेजिस्टेंस होगा ताकि वो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर सके। मतलब कंपिटेंसी का मतलब है कि डिग्री टू रजिस्ट द डिफॉर्मेशन, और अगर नॉन कंपिटेंस है तो मतलब वो लेयर ईजिली डिफॉर्म हो सकती है। एंड टिपिकली द पिगमेटिक फोल्ड्स डू नॉट मेंटेन देयर ऑर्थोगोनल सिग्नल्स आई दे आर सिमिलर फोल्ड्स एंड देयर एक्सियल प्लेन आर कर्व्ड। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं तो आप कहीं भी इस तरह के डेफिनेशन को किस थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। फैन फोल्ड्स की बात करें तो फैन फोल्ड इज एन अपराइट फोल्ड इन विच बोथ लिम्स आर ओवरटर्न्ड। सो दीज आर द की पॉइंट्स। जैसे इन फैन फोल्ड इट सेज बोथ लिम्स आर ओवरटर्न्ड, तो ये चीज़ें याद रखनी है। ए फैन फोल्ड इज बेसिकली एन अपराइट फोल्ड इन विच बोथ लिम्स आर ओवरटर्न्ड। इन एंटी क्लाइंब लिम्स डिप टूवर्ड्स द एक्सियल प्लेन। एंड जैसे कि आप देखोगे ये है ना, अगर एंटी क्लाइंब ऐसे बन रहा है तो इस केस में क्या होता है ना कि जो बोथ लिम्स है दे डिप टूवर्ड द एक्सियल प्लेन। ये आपका एक्सियल प्लेन हो गया, तो बोथ लिम्स ये और ये दे डिप टूवर्ड्स द एक्सियल प्लेन। एंड इन सिंक्लाइन, अगर आप सिंक्लाइन की बात कर रहे हो, मान लो यहाँ कोई सिंक्लाइन है, तो सिंक्लाइन में क्या हो रहा है कि ये जो लिम्स है दे बोथ दे डिप अवे फ्रॉम द एक्सियल प्लेन। ओके, ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। द बेड्स विद इन द इंडिक्लाइन आर मच कंप्रेस्ड बिलो वाइल दे आर ओपन आउट अबव। ओके, सो द क्रेस्ट एंड द ट्रफ ऑफ अ फैन फोल्ड आर जनरली सफिशेंटली राउंडेड। ओके, ये आप देख सकते हैं, फिगर से आपको क्लियर होगा ये फैन फोल्ड है। शेवरॉन फोल्ड की हम बात करें, फोल्ड हैव अ काइंड ऑफ जिग जैक पैटर्न, इस फिगर से क्लियर भी होगा, इसे जिग जैक फोल्ड्स भी कहते हैं, और नियरली स्ट्रेट लिम्स होते हैं बिल्कुल, एंड शार्प और एंगुलर आवियाँ जो जो आप कह सकते हो ना, इतने स्ट्रेट लिम्स है कि वो मतलब क्रेस्ट और ट्रफ एकदम शार्प और एंगुलर दिख रहे होते हैं। ओके, दिस इज शेवरॉन फोल्ड। और अगर आप बॉक्स फोल्ड की बात करो तो बॉक्स फोल्ड क्या है? बॉक्स फोल्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फोल्ड विच हैज़ टू हिंजेस। सो दीज आर लाइक की पॉइंट्स। ए बॉक्स फोल्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फोल्ड विच हैज़ टू हिंजेस। किंग फोल्ड की भी अगर हम एक बार देख लें तो किंग फोल्ड आर द नैरो बैंड्स, ये सेकेंड फिगर जो है किंग फोल्ड का है। तो किंग फोल्ड्स आर नैरो बैंड्स और रीजन वेयर डीप लोकली एक्वायर अ स्टीपर और जेंटल डिप, एंड द किंग फोल्ड्स और किंग बैंड्स आर फाउंड इन थिनली लैमिनेटेड रॉक्स एंड ओनली फ्यू इंचेस टू फ्यू मीटर उनका डायमेंशन होता है। तो ये फिगर से आई थिंक आपको क्लियर होगा, एकदम थिनली लैमिनेटेड रॉक के बीच जो फोल्डिंग हो रही है वो किंग फोल्ड है। और शेवरॉन फोल्ड मैंने बताई दिया दैट दे हैव ए स्ट्रेट लिम एंड शार्प हिंजेस, सो दिस इज शेवरॉन फोल्ड। ओके, एंड दिस वन इज द बॉक्स फोल्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 74, द थिकनिंग एंड थिनिंग ऑफ ए कंपिटेंट बेड टेक्स प्लेस इन अ सच ए वे सो एज टू सिमुलेट ए स्ट्रिंग ऑफ सोर्सेस द इज रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज। सो मुझे इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली बहुत आइडिया नहीं है, बट इसका जो आंसर होगा वो बॉडनेज होगा। थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में कुछ बता सकता हूँ आपको। अगर हम मोलियंस की बात करें तो मोलियंस इज द नेम दैट स्ट्रक्चर जियोलॉजिस्ट यूज फॉर लीनियर डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर दैट आर रिस्ट्रिक्टेड टू द इंटरफेस बिटवीन अ कंपिटेंट एंड अ इनकम्पिटेंट रॉक। ओके,
ओके, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिले इससे. सो द टर्म मूलियम हैज़ बीन यूज्ड इन सेवरल डिफरेंट वेज एंड रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रेटिएशन ऑन फॉल्ट सर्फेसिस, जिसको फॉल्ट मूलियम्स कहते हैं, और टू इंटरलेयर स्ट्रक्चर्स फॉर्म ड्यूरिंग द एक्सटेंशन एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन. रॉडिंग क्या होती है? रॉडिंग इज अ मॉर्फोलॉजिकल टर्म यूज फॉर इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल एंड मोनोमिनरल बॉडीज ऑफ सेग्रेटेड मिनरल्स इन द मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ ऑल ग्रेड्स. ओके, सो इस तरह से आप फिगर के थ्रू भी इन्हें थोड़ा, आपको आई होप कि कुछ समझ में आया हो. और स्लिकेन साइट्स की अगर बात करें तो द मूवमेंट ऑफ वन वॉल अगेंस्ट दी अनदर रिजल्ट इन द पॉलिशिंग एंड ग्रूविंग ऑफ द फॉल्ट सर्फेसिस. पॉलिशिंग एंड ग्रूविंग ऑफ द फॉल्ट सर्फेसिस, दिस ग्रूव्स एंड स्ट्रेटिएशंस आर कॉल्ड स्लिकेन साइट्स एंड दे आर यूजफुल इन नोइंग द डायरेक्शन ऑफ लेटेस्ट मूवमेंट ऑफ ए फॉल्ट सर्फेस. मूलियंस के बारे में एक और चीज़ यहाँ पे है. मूलियंस आर लार्जर देन द स्लिकेन साइट्स एंड आर नॉट ईजली इरेज्ड बाई सब्सिक्वेंट मूवमेंट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 75. ए मेजर एंटीक्लाइन कंपोज ऑफ मेनी स्मॉलर फोल्ड इज कॉल्ड. सो दिस इज नोन एज, सो अ लार्ज, देख सकते हो डेफिनेशन में, लार्ज सिंक्लाइन कंप्राइजिंग ऑफ न्यूमरस एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस इज कॉल्ड सिंक्लोरोनियम. एंड सिमिलरली एन एंटीक्लोरोनियम इज अ लार्ज एंटीक्लाइन कंप्राइज ऑफ न्यूमरस एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस. So as it says a major anticline composed of many smaller folds. So proper definition तो इसने नहीं दी हुई है, but according to me, जो कि जैसा कि समझ में आ रहा है, the answer would be anticlorinium. Okay. So इस वीडियो में अभी इतने questions discuss करते हैं. अगर किसी को कहीं कुछ mistake लगता है या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का कुछ बेटर एक्सप्लेनेशन है, सो यू गैस कैन कमेंट, ताकि सबकी नॉलेज इम्प्रूव हो सके. एंड एनीथिंग यू लाइक, इफ़ यू फाइंड समथिंग कि इसका कुछ और एक्सप्लेनेशन हो सकता है, प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.